क्लास में ये वाला नहीं था, ये वाला है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये कोड हमने लास्ट क्लास में लिखा था और हुआ ये था उसमें कि लास्ट का पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यही हुआ था ना। अच्छा, हमारे पास क्या है इस कोड में? एक अदद हमारे पास फॉर्म था। इस फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ कि क्या था इस फॉर्म में। कॉपी पाथ, और यहाँ लाके मैंने इस फॉर्म को ओपन कर लिया। ये एक फॉर्म था मेरे पास साइनअप का। इसमें से मैं कुछ भी लिखता था तो लिख के मैं कहाँ भेजता था इसको? जावास्क्रिप्ट में गया। ये क्या कह रहा है? अनेबल टू रीड यूज़र डेटा। क्या बोल रहा है? किस चीज़ का एरर दे रहा है? पता नहीं किस चीज़ का दे रहा है। अच्छा, जब मैं ये फॉर्म पूरा फिल करता हूँ और ये फॉर्म पूरा फिल करके मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ तो क्या कॉल होता था? साइनअप का फंक्शन कॉल होता था। ये लास्ट क्लास में इसका जो इस ये वाला पार्ट है ना, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो जो रिकॉर्डिंग देखते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर रहा हूँ, और जो अभी मौजूद हैं उनके लिए भी रिविज़न हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो साइनअप का फंक्शन कॉल होता है जब मैं ये फॉर्म को सबमिट करता हूँ, ठीक है? और इसके ऊपर साइनअप का पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, साइनअप का प्रोसेस क्या है? ये है वो साइनअप का फंक्शन। इसमें मैंने ये तमाम वैल्यूज़ उठाई एक एक करके, जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैंने पासवर्ड को मैच किया कि भाई पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड क्या इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है? अगर वो इक्वल नहीं है, ये मैंने चेक किया, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करो? एक स्क्रीन पे मैसेज दिखा दो कि भाई पासवर्ड डू नॉट मैच, और यहीं से इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न करने से क्या होता है? ये फंक्शन यहीं पर रुक जाता है, ये फंक्शन यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है? तो मैंने एक ये बात लगा ली यहाँ पे। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए, अच्छा, अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, यानी कि ये पासवर्ड दोनों इक्वल नहीं होते हैं एक दूसरे के, तो स्क्रीन पे मैसेज दिखाएगा और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है? कि ये कोड यहाँ से अब आगे मज़ीद नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया? रिक्वेस्ट मारी। कहाँ पे रिक्वेस्ट मारी? क्योंकि ये सर्वर अभी मेरे पास लोकल होस्ट पे चल रहा है। सर्वर को रन भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। ये मेरे सर्वर की फ़ाइल है, सर्वर डॉट एम जे एस, ये मेरे सर्वर की फ़ाइल है। तो इस सर्वर को रन करने के लिए मैं टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल पे बोलूँगा मैं, पहले तो इस फोल्डर में आ जाता हूँ मैं, CD03, ठीक है? उसके बाद CD7, ठीक है? मैं इस फोल्डर में आ गया, एक्सप्रेस लॉग इन साइन अप विथ डेटाबेस, ठीक है? मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया यहाँ पे। अब मैंने करना है npm start enter, ठीक है? जिससे क्या हुआ, मेरा ये सर्वर सर्वर डॉट एम जी एस की जो फाइल थी, ये लोकल होस्ट 3000 पे चल गई है। जब यही सर्वर मैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल टर्मिनल को हम बंद कर देते हैं, तो मेरा सर्वर इस वक्त लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिखूँगा। जब मैं यही सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय कर दूंगा तो मैं उसका URL लिखूँगा, यानी कि हरिको पर डिप्लॉय कर दूंगा। तो हरिको मुझे URL देगा इस सर्वर का, जो हम पहले देख चुके हैं डिप्लॉय करना, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये लोकल होस्ट फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो अभी मैं किस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ? लोकल सर्वर पे अपने भेजता हूँ। अच्छा, और मैंने अंदर इसके ऑब्जेक्ट रख के भेजा है। अच्छा, ये हमने देखा था कि भाई अगर ES6 में ना, अगर ये दोनों एक जैसा हो, फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम हो ऐसे, ठीक है? तो हम अगर एक पार्ट भी लिख दें तो काम हो जाता है, ठीक है? दोनों इक्वल हो तो हम, ये ES6 का एक शॉर्टकट तरीका है। ES6 के अंदर ही पॉसिबल है, 5 में पॉसिबल नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद API जब मैं कॉल करता हूँ तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको मैं कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ, और उस रिस्पॉन्स के अंदर मैंने क्या भेजा है? एक अदद मैसेज भेजा है, क्योंकि ये जेसन रिस्पॉन्स है, तो इसके अंदर मैसेज करके एक चीज़ मुझे मिली है। तो उसको मैंने कहाँ डिस्प्ले करवा दिया है? स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करवा दिया। एंड दैट्स ऑल, हमारा ये साइनअप का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया। अच्छा, इस साइनअप के प्रोसेस को अब जब मैं API जब कॉल करता हूँ तो सर्वर पे जब रिक्वेस्ट पहुँचती है तो वहाँ पे क्या होता है वो भी ज़रा एक नज़र हम देख लेते हैं। मैं सर्वर डॉट जे एस पे आया, सर्वर डॉट एम जे एस पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? एक अदद स्कीमा मैंने तैयार किया हुआ है डेटाबेस के लिए, ठीक है? सबसे पहले मैंने मोंगोज़ को यहाँ पर रिक्वायर किया, ऊपर मोंगोज़ यहाँ पर रिक्वायर हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने बोला नीचे कनेक्शन वगैरह तो हो चुका था, सब लोगों ने कर लिया था माशाल्लाह से कनेक्शन वाला काम, तो लेकिन मैं वो भी रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि यार ये DB URI है मेरी, ठीक है? क्या करो, mongos.connect का
फंक्शन कॉल करो और उसमें ये यूआरआई पूरी दे दो। ठीक है, ये यूआरआई मेरी कौन सी वाली है, जहाँ पे मैंने डेटाबेस अपना बनाया हुआ है मोंगो डीबी एटलस पे। ठीक है, कल को आप मोंगो डीबी एटलस के अलावा अगर कहीं और होस्ट करेंगे, क्योंकि मोंगो डीबी गूगल पे भी होस्ट हो जाता है, AWS पे भी हो जाता है, सब जगह हो जाता है, तो फिर आप वहाँ का यूआरएल लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे mongodb.net का यूआरएल फिर नहीं लगाएंगे, जहाँ होस्ट करेंगे वहाँ का। ठीक है, mongodb.net या mongodb एटलस जो भी इसका एक ही नाम है। ठीक है, तो इसको हमने चूज़ इसलिए किया है, इसमें बगैर क्रेडिट कार्ड के आपको 500 MB का डेटाबेस फ्री में मिल जाता है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद ये कनेक्शंस है कुछ हमारे पास कि भाई कनेक्टेड डिसकनेक्टेड अगर होता है मेरा MongoDB कुछ भी होता है उसके साथ, तो मुझे वो उसके अगेंस्ट ऐसे बता देता है कि ठीक है भाई आपका डिसकनेक्टेड हो गया या जो भी हुआ है। तो ये कनेक्शन तो हम लोग सब कर चुके थे, लेकिन साइनअप का जो प्रोसेस है वो मैं ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। ये है मेरा साइनअप का फंक्शन पूरा, ये साइनअप की API कह लो इसको बल्कि। इस API में सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो कुछ भी मुझे मिला है, यानी यूज़र ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसकी बॉडी में जो कुछ भी है उसको इस वेरिएबल में रख लो। ठीक है, ये बॉडी लेने के लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ती है, express.json। ये लाइन अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना, ये लाइन अगर आप लगाना भूल गए, तो आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी, खाली मिलेगी। तो ये लाइन मेक श्योर करें, ये लाइन आपने लिखी हुई है। ठीक है, app.use express.json। इसके लिए पहले हम बॉडी पार्सर यूज़ करते थे, लेकिन अब बॉडी पार्सर की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस ने अपना ये बना दिया है जेसन। तो मैंने कहा भाई बॉडी में जो कुछ भी है वो इस वेरिएबल में लेकर आ जाओ। उसके बाद क्या करो, चेक करो अगर बॉडी के अंदर फर्स्ट नेम है नहीं है, या बॉडी के अंदर लास्ट नेम नहीं है, या बॉडी के अंदर ईमेल नहीं है, या बॉडी के अंदर पासवर्ड नहीं है, चार में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है अगर, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा response.status 400 कि भाई इसको वापस भेजो रिस्पॉन्स को, और क्या भेजो, एरर का मैसेज भेजो 400 कि भाई एरर आई है। 400 का मतलब होता है फॉरबिडन, ठीक है, या बैड डेटा। अच्छा, और मैंने साथ साथ जो भेजा है एरर का मैसेज, उसमें एक गाइड भी भेजी है कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है, ऐसे करके एग्जाम्पल बना के भेजो रिक्वेस्ट जो तुमने भेजी है उसमें मिसिंग है कुछ, ये मैंने बना के भेज दिया। अच्छा, इस तरह के जो एरर मैसेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API। ठीक है, कि अगर उसको गलत तरीके से कॉल करेंगे तो API खुद बताती है कि मुझे इस तरह करके कॉल करो। ठीक है, और अगर ये कोई भी चीज़ मिसिंग है तो ये मैसेज भेजो और इसको रिटर्न कॉल कर दो, यहीं पे इस फंक्शन को ख़त्म करवा दो, इसको आगे नहीं बढ़ने दो कोड को। ठीक है, अच्छा अब आगे मैंने ये चेक कर लिया कि ठीक है भाई कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, साइनअप के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब मैं आगे क्या करूँगा, अब मैं आगे करूँगा कि इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि भाई जो ईमेल एक बार बंदा दे चुका है साइनअप करने के लिए, उससे मैं दोबारा तो नहीं साइनअप करने दूंगा उसको, तो मैं ये चेक करने जा रहा हूँ अपने डेटाबेस में कि क्या इस ईमेल से कोई बंदा पहले से भी मौजूद है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे चेक किया, मैंने कहा यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल क्या है, जो ऊपर स्कीमा बनाया था हमने लास्ट क्लास में वो है। ठीक है, आगे ज़रा स्कीमा पे भी एक नज़र मार लेते हैं। ये है मेरा स्कीमा, मेरा जो एक यूज़र तैयार होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, फर्स्ट नेम होगा उसका, वो टाइप होगी स्ट्रिंग, लास्ट नेम होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ईमेल होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड है ईमेल, ईमेल के बगैर साइनअप नहीं होगा, पासवर्ड स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड है, एज जो है वो नंबर होगा, मिनिमम 17 से कम नहीं डाल सकता। जी सर, ये जो ये स्कीमा बनाया बेसिकली ये टेबल बन जाता है ना, ये टेबल है जी, बिल्कुल SQL के अंदर ये टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मतलब जितने हमें टेबल, मतलब जब हम कोडिंग कर रहे हैं जितने टेबल रखवाए हैं सब अलग अलग उतने स्कीमा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, MongoDB को इटसेल्फ इस स्कीमा की ज़रूरत नहीं है, MongoDB इसके बगैर भी चल जाता है, लेकिन हम ये स्कीमा बनाते हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता है। ठीक है, अदरवाइज़ कल को ईमेल की जगह पे कोई नंबर लिख के भेजेगा ना तो भी चला जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि MongoDB को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई, यानी अभी ईमेल में आप स्ट्रिंग भेज रहे हो, कल को इसी ईमेल पे आप कोई नंबर लिख के भेजोगे ना MongoDB ले लेगा, क्योंकि MongoDB फ्लेक्सिबल है, स्कीमा लेस है और बिग डेटा के लिए उसको ऐसा बनाया गया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि ईमेल ढूंढने और हम कल को हमें एक नंबर मिल रहा हो 303। ठीक है ना, ईमेल में हम हमेशा चाहते हैं कि स्ट्रिंग मिले। ठीक है, इसलिए हमने इसका स्कीमा इसमें क्या, सॉरी क्या आपने पूछा, आपकी आवाज़ कट गई। अच्छा, शायद ये डिस्कनेक्ट हो गए, कोई मसला नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। वेल, तो ये चीज़ें हमारे ना हर यूज़र के अंदर होंगी। जी जी, दोबारा बोलें सर। ये मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पे हमने उस दिन आईडी खुद ही जनरेट हो गई ना ऑटोमेटिकली,
तो यहाँ पे हमें इस तरह की जरूरत है कि हम यहाँ पे खुद कोई रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं जिसको हमने प्राइमरी की खुद बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें आप प्राइमरी की खुद नहीं बना सकते, सही है। अच्छा, प्राइमरी की जो होती है ना, असल में वो SQL का ठीक एक है कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी की से क्या होता है कि एक ऐसी फील्ड होती है जिसको आप बोलते हैं ये प्राइमरी की है ना, तो उसको वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स पर डाल देता है, ठीक है, इंडेक्स पर डाल देता है और ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा देता है। तो इसमें MongoDB के अंदर इंडेक्सिंग हो सकती है, ठीक है, इंडेक्सिंग इसमें आप करवा सकते हैं। अब इंडेक्सिंग वो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई इस चीज़ से ना सॉर्ट कर देता है, इंडेक्सिंग जितनी ज़्यादा करते हैं डेटाबेस उतना स्लो होता चला जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेरी फास्ट होती है। तो इंडेक्सिंग इसमें हो सकती है और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की इसमें नहीं बना सकते आप, जैसे उसमें होता है ना शॉर्टकट होता है वो, कि आप बोलते हैं फला चीज़ प्राइमरी की है तो ऑटोमेटिक ये दोनों काम हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों काम अलग अलग आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट वाले नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने लिखा था इसमें एक क्रिएटेड ऑन, और हमने कहा इसकी टाइप होगी डेट, इसके अंदर डेट सेव होगा, और डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या डाला था, डेट डॉट नाउ, कि अगर यूज़र ये क्रिएटेड ऑन नहीं बताता है साइन अप के वक्त, ठीक है, जो कि हम जाहिर है उससे नहीं पूछेंगे यूज़र से, हम खुद बोलेंगे कि क्रिएट कब हुई है प्रोफाइल, तो वो डेटाबेस का जो भी इस वक्त टाइम हो रहा है वो यहाँ सेव कर देगा, ठीक है। और हमने ये यूज़र मॉडल पूरा तैयार कर लिया। अब इसी यूज़र मॉडल पर डॉट लगा के फाइंड भी होगा, डॉट लगा के क्रिएट भी होगा, डॉट लगा के डिलीट भी होगा, सब इसी पर ही होगा। तो मैंने कहा यूज़र मॉडल जो है, यानी यूज़र जितने भी सेव है मेरे पास डेटाबेस में, उस पर क्या करो, बोलो फाइंड वन, और फाइंड वन बोलने के बाद उसको मैंने एक अदद क्या दिया, क्वेरी दी, एक अदद उसको मैंने बोला कि यार ऐसा यूज़र ढूंढ के लाओ जिसकी ईमेल क्या हो, वो हो जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इस वक्त आई है। मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या भेजा हुआ है, लिख के भेजा हुआ है abc@abc.com, तो जाके ये डेटाबेस में ऐसा यूज़र ढूंढेगा जिसकी ईमेल क्या होगी, abc@abc.com होगी, तो उसको ढूंढ के लेकर आ जाएगा। अच्छा, इसको ओपन करता हूँ मैं, ओपन किया मैंने, तो इस क्वेरी के नतीजे में या तो एरर हो जाएगा कोई, या तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा जो मैंने मंगवाया है। अच्छा, एरर जो होगा अगर, ठीक है, तो मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाया, जाहिर है एरर की सूरत में तो मैं कुछ और काम करूँगा, तो मैंने बोला कि इफ़ नॉट एरर तो फिर आगे का काम करना है हमें, ठीक है। अगर तो एरर है तो क्या करना है, यहीं से इसको घर भेज देना है कि भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 के इंटरनल सर्वर एरर, और मैंने बोला भाई डेटाबेस में एरर आ गया, आप दोबारा ट्राई करें, ठीक है, और यहीं पे मैं रिटर्न भी कॉल कर दूंगा। अच्छा, यहाँ रिटर्न कॉल ना भी करूँ तो मतलब आखिरी लाइन है वैसे भी ये यहाँ पे असूलन, लेकिन रिटर्न मुझे कॉल करना चाहिए, ठीक है, रिटर्न मैंने लगा दिया यहाँ, ठीक है, वैसे आखिरी लाइन है, इसके आगे कुछ है भी नहीं और, लेकिन रिटर्न मुझे असूलन इस पर कॉल करना चाहिए। वेल, तो मैंने सबसे पहले तो यही चेक कर लिया कि भाई अगर तो एरर है ना तो घर भेजो फ़ौरन। अच्छा, अगर एरर नहीं है, नॉट एरर, तो मतलब सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, या तो मुझे डेटा मिलेगा, या तो मुझे डेटा की जगह ना नल मिलेगा। अगर तो इससे ईमेल से उसको यूज़र नहीं मिला ना, तो डेटा की जगह नल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो जैसे ईमेल मैंने बोला ना, इस ईमेल से ढूंढ के लाओ, अगर उस ईमेल से कोई यूज़र मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन एरर, दिस इज़ सक्सेस, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है वो। हाँ, लेकिन रिस्पॉन्स की जगह पे नल होगा आपके पास, डेटा नहीं होगा कोई। तो मैंने इसलिए बोला कि इफ़ डेटा, अगर उस नाम से यूज़र आपको मिल गया है, तो इसका मतलब है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है घर भेजेंगे इसको हम, फिर कि भाई इस नाम से तो पहले ही कोई ईमेल मौजूद है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, 400 के एरर के साथ आप वापस भेजेंगे और बोलेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर रिटर्न कॉल करेंगे कि ये कोड मज़ीद आगे ना बढ़े, यहाँ से यहीं से ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, एल्स में अगर यूज़र नहीं मिलता है उस ईमेल से कोई, यानी डेटा में नल अगर होता है, तो ये एल्स चलेगा फिर, इसका मतलब है यूज़र नॉट एग्जिस्ट, पहले से यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता इस ईमेल का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस यूज़र को क्रिएट कर देंगे। अच्छा, यूज़र क्रिएट करने से पहले मैंने एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा काम और भी किया हुआ है। वो काम क्या किया हुआ है, मैंने जो पासवर्ड मिला था ना मुझे, उसको हैश में कन्वर्ट किया है मैंने, ठीक है। पासवर्ड कभी भी आप डेटाबेस में प्लेन पासवर्ड सेव नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा फंक्शन है ये, मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ये फंक्शन मैंने निकाला कहाँ से, ये फंक्शन एक लाइब्रेरी है, ओ ये एक लाइब्रेरी है, ओ सही है, इस लाइब्रेरी का नाम है बिक्रिप्ट इनजी, ठीक है। बचपन में ये लाइब्रेरी लिखी थी हमने, उस वक्त हमें शौक था हर जगह अपना नाम लिखने का, तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया था। तो ये छोटी सी लाइब्रेरी है, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं,
इसके ज़रिए आप किसी भी स्ट्रिंग को हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ, डबल डबल लाइन में, पता नहीं क्यों हुआ होगा। ठीक है, एक लाइन में कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग टू हैश, किसी भी स्ट्रिंग को हैश में कन्वर्ट कर देता इसको हूँ। सर तो इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको, npm इंस्टॉल bcrypt। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट, ये मैं जाके लिखूंगा ना यहाँ पे, तो ये आ गया npm। तो ये npm से क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे तमाम लाइब्रेरीज आपने पहले इंस्टॉल की थी, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे इसका यूजेज वगैरह ये सब लिखा हुआ है। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, ये इम्पोर्ट हुआ, ये स्ट्रिंग टू हैश है इसका, इतनी सिंपल सी बात है ये, तो कोई इसमें मुश्किल है नहीं इतना। ठीक है, तो बस आप किसी भी स्ट्रिंग पे, जैसे पाकिस्तान लिखा मैंने, तो पाकिस्तान का हैश बना के दे देगा मुझे ये। ठीक है, तो पासवर्ड को कभी भी हम प्लेन टेक्स्ट में डेटाबेस में सेव नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ये फंक्शन इस्तेमाल किया है। और ये सबसे जदीद टेक्निक है पासवर्ड को हैश में बनाने की, दैट इज़ कॉल्ड बिक्रिप्ट। ठीक है, ये हमने हैश जो है पासवर्ड के लिए एल्स में क्यों लगाया? एल्स में इसलिए लगाया ना कि इफ अगर यूज़र मिल गया तो मतलब पहले से एग्जिस्ट है, तो भगाओ उसको फिर, इस ईमेल से साइन अप नहीं करने दो उसको। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, मैंने बोला भाई अगर इसको पास, अगर यूज़र नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो क्या करो आप, पहले तो पासवर्ड को बनाओ हैश, और उसके बाद क्या करो आप, बोलो लेट न्यू यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र मॉडल। ठीक है, ये मैंने न्यू यूज़र मॉडल बनाया है, और न्यू यूज़र मॉडल बनाने के बाद ये पूरा यूज़र मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा न्यू यूज़र डॉट सेव, और न्यू यूज़र को मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया। ठीक है, सेव करवाने की सूरत में या तो एरर होगा या तो रिजल्ट होगा उस सेव करने का। तो मैंने कहा भाई इफ़ नॉट एरर मतलब 201 यूज़र क्रिएट हो गया है, अगर एरर हो जाता है तो एल्स चलेगा फिर। तो मैंने कहा DB एरर, और 500 एरर करवा दिया मैंने इसका, ठीक हो गया। तो अब इस पॉइंट पे आके जब यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो मैंने क्या भेजा हुआ है, रिस्पॉन्स भेजा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर एक अदद मैंने ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे मुझे मिलता है वापस इस रिस्पॉन्स के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ साइन अप इज़ वर्किंग, राइट। अच्छा, आज की क्लास में हमने क्या करना था भला, हमने करना था लॉगिन आज की क्लास में, राइट, ऐसा ही है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा काम हम और करें। अच्छा, जरा एक चीज बताएंगे, ये जी यहाँ पे जो फाइंड डन करवाया है तो ये एक यूजर के लिए करवाया है, हाँ, तो एक फाइंड की भी होती है, वो फाइंड किस लिए होता है? फाइंड ये फाइल क्या मतलब है, समझा नहीं बात। फाइंड फाइंड बंद कराया ना, फाइंड फाइंड वन, अच्छा बंद, फाइंड वन, फाइंड एक और वन जो है फाइंड। ना भाई, फाइंड वन क्या करता है, फाइंड वन ना एफिशिएंट है थोड़ा सा। कैसे एफिशिएंट है, मिसाल के तौर पे मैंने ईमेल भेजी, अब ये ईमेल जो है मैंने बोला इस ईमेल का एक बंदा ढूंढ कर लाओ, या मिसाल के तौर पे मैंने उसको बोला भाई एज इक्वल्स टू 18, मैंने कहा ऐसा यूज़र ढूंढ के लाओ जिसकी एज 18 है। तो फाइंड वन क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं डेटाबेस में, है नहीं लेकिन हो सकते हैं। तो पहला उस ढूंढना शुरू करेगा, वो ढूंढना शुरू करते करते जब उसको पहला यूज़र मिलेगा ना जिसकी एज 18 है, वो यूज़र लेकर आ जाएगा और आगे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा उसको। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर मैं फाइंड वन नहीं लगाऊँ, सिर्फ फाइंड लगाऊँ, तो वो क्या करेगा, वो एक यूज़र मिला उसको 18 वाला, मज़ीद ढूंढेगा, वो दूसरा मिला तो वो भी ले आएगा, तीसरा मिला तो वो भी ले आएगा। अलगर्ज ये कि डेटा में जितने भी रिकॉर्ड है ना वो सबके पास जाएगा और आखिर तक डेटाबेस में उसको तलाश करेगा वो। ठीक है, तो जितने भी 18 साल वाले होंगे सारे लेकर आएगा। लेकिन मेरे इस केस में क्या मुझे चाहिए, मेरे इस केस में मुझे चाहिए कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इस ईमेल से अगर एक भी यूज़र मौजूद है तो मसला ख़राब है, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ उसको आखिर तक ढूंढने का, मैंने कहा भाई पहला ही मिले ना अगर, एक भी मिल जाए तो वहीं से वापस आ जाना, मुझे जल्दी से आके बताना कि वहाँ पे इस ईमेल से पहले से यूज़र मौजूद है। ठीक है, तो फाइंड वन का भी अपना यूज़ केस है, फाइंड का अपना यूज़ केस है। सही मेथड है फाइंड वन, ये क्वेरी है, ये MongoDB की क्वेरी है, यूज़र मॉडल के ऊपर क्वेरी कर रहा हूँ मैं कि भाई यूज़र उठा के लाओ, फाइंड वन यूज़र। ठीक है, फाइंड वन एक क्वेरी है MongoDB की, मगर ये फाइंड भी तो सब में पूरे डेटाबेस में ही फाइंड करेगा ना? नहीं, जब ये पूरे इसको मिलेगा डेटाबेस तो में नहीं आएगा करेगा भाई। 1 मिलियन यूज़र है ना मेरे पास, 1 मिलियन यूज़र है। ईमेल मैंने बोला abc@abc.com वाले बंदे को ढूंढ के लाओ, तो ये अगर उसको पहले नंबर पे मिल गया ना ये ईमेल, तो वो सेकंड पे चेक नहीं करेगा उसको, वह ख़त्म हो गया वहीं पे।
अगर अच्छा, ये 200, इफ एल्स वाला सीन है इसका, इफ एल्स वाला हाँ है, जी और जी वो उसका जो है फाइंड का वो इफ वाला है कि हम सब में चेक हाँ करता सब रहेगा। में फाइंड अगर होता ना यहाँ पे तो पहले नंबर पे उसको मिल भी जाएगा ना, तो वो पूरे 1 मिलियन तक जाके चेक करेगा उसको। ये 1 मिलियन पूरे पे चेक नहीं करेगा, जहाँ मिल गया वहीं से वापस आ जाएगा, उसके आगे चेक ही नहीं करेगा। सर ये यूजर मॉडल के साथ न्यू क्यों लगाया है? हाँ ये क्रिएट करते हुए ना हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। डेटाबेस में डेटा क्रिएट करने का जो तरीका हमें मोंगोस ने बताया है वो यही है, इसलिए हमने इसी तरह से किया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ये मैंने कहाँ से देख के किया है। मैंने कहा मोंगोस डॉट सेव, ठीक है। तो ये डॉट सेव की डॉक्यूमेंटेशन आ गई। किसी का माइक ओपन है प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे ना ये रहा, सेव के ज़रिए कैसे करना है। मैं कहाँ चला गया भाई, हाँ ये रहा। सर एसिंक अवेट भी समझा दीजिएगा। ये देख रहे हैं, ये तरीका बताया उन्होंने, कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका है। इनका नाम है टैंक, सही है। इनका नाम क्या है? टैंक है इनके मॉडल का। अच्छा, और टैंक के अंदर जो है ना ये स्कीमा है, स्कीमा का जिक्र नहीं किया है इन्होंने, स्कीमा कहीं ऊपर बना हुआ है, डायरेक्ट मॉडल से शुरू किया है। अभी इन्होंने बोला न्यू टैंक साइज इक्वल्स टू स्मॉल, और ये न्यू टैंक यहाँ बन के आ गया। उसके बाद न्यू टैंक पर डॉट सेव कॉल कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसी चीज़ को करने का एक तरीका एसिंक का वेट वाला भी है, ठीक है, जो अभी सारिब ने बोला कि एसिंक का वेट वाला भी है, उसमें टैंक डॉट क्रिएट है, तो ये भी तरीका सही है, टैंक डॉट क्रिएट वाला, ठीक है। टैंक डॉट इंसर्ट मैनी, ये तरीका भी सही है, तीनों तरीके ठीक है, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल अभी ये वाला किया है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं टैंक डॉट क्रिएट लगा देता हूँ ना यहाँ पर, टैंक डॉट क्रिएट ही लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इस वाले को डॉट क्रिएट, ठीक है, ये तरीका भी सही है। अच्छा, और आप फिर उसको इसके ऊपर कमेंट कर देते हैं ताकि वो भी रहता। इसी के ऊपर फिर कॉमा डाल के फंक्शन लग जाता है वो, सही है। ऐसे भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही तरीका है ये, कि मॉडल डॉट क्रिएट और उसमें कॉमा डाल के फंक्शन लगाएंगे तो एरर और रिजल्ट पे वो फंक्शन चल पड़ेगा, सही है जी। सर इसका काम तो सेम ही होगा जाहिर हाँ, है, काम सेम लेकिन है, काम सेम है, लिखने के थोड़े स्पीड पे थोड़े भी फर्क मुख्तलिफ पड़ता हैं, है। लिखने के तरीके थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं। डेटाबेस में रीड एंड राइट की स्पीड का कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, कोई फर्क नहीं है, क्रिएट में भी वही है, उसमें भी वही है, दोनों एक ही है। सर ये जो पासवर्ड की वैल्यू लिखी हुई है यही लिखेंगे इसमें हैश ट्रिंग, ये हैश है ना जो मैंने अभी हैश बनाया है, ये पासवर्ड को मैंने क्या बना दिया, हैश बना दिया, तो ये हैश मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइन अप जो है ना थोड़ा सा हैवी हो गया आप लोगों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मुश्किल लग रहा है अभी भी ये साइन अप? है कोई सर जो ऐसा? लास्ट लास्ट तक आपने पढ़ाया था वो तो समझ आया, अभी ये जो क्या नाम है वीडियो जैसी बात इनकम्प्लीट थी ना सर, हाँ वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई उस तरह। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में ना ये साइन अप वाले को यहीं छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक अलग से ऐप बना लेते हैं हम, टू डू एप्लीकेशन, जिसमें क्रेड चारों ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर उसकी अगली क्लास में लॉगिन बनवा दूंगा मैं, ठीक है। ये सही है, वो जो पिछला जो गैप आया था वो भी पूरा हो जाए। वो पिछला गैप तो मैंने पूरा कर दिया ना, इसमें जो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी ना ओके, वीडियो, ओके, ओके, ओके। वो तो मैंने पूरा करवा दिया। अब लॉगिन जो है मैं सोच रहा हूँ अभी शुरू ना करूँ, क्योंकि लॉगिन के साथ साथ ना दो चार चीज़ें और भी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी डेटाबेस कंप्लीट कर लें आज की क्लास में, डेटाबेस के जो जो मसले हैं ना वो सारे निपटा लें, मैं ये चाह रहा हूँ। क्योंकि लॉगिन, जब लॉगिन पे हम जाएंगे ना तो डेटाबेस के अलावा भी उसमें चीज़ें हैं कुछ एक दो, वो भी हमें पढ़नी है, जैसे JWT टोकन है, उसको कुकीज़ में सेव कराना, उसको रिट्रीव करना, ये चीज़ें थोड़ी अलग है, डेटाबेस से मुख्तलिफ है ये, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डेटाबेस के बाद वाला टॉपिक है। तो अभी भी आपका डेटाबेस वीक है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक ऐप बनाऊँ, ठीक है, इसको 7 को यहीं छोड़ देते हैं, 7 को हम कंप्लीट करेंगे बाद में आगे। मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ यहाँ पे, बल्कि सर ई कॉमर्स की वेबसाइट का बैकएंड भी बता दें। ई कॉमर्स की वेबसाइट का बैकएंड
ई कॉमर्स में भी यही होगा, लॉगिन होगा, साइन अप होगा, प्रोडक्ट ऐड हो रही होगी डेटाबेस में, और क्या होगा इसमें? सर वो कार्ट में जिस तरह से हैंडल होता है आउट ऑफ स्टॉक और प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपडेट करना और वो सब देखें, अच्छा कौन है, कौन कौन पूछ रहा था ये सवाल? अपना नाम बताइएगा प्लीज। जी सर, फारिया जमान। अच्छा फारिया, देखें फारिया, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ना, या कोई भी आप क्या कहते हैं ऐप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उस ऐप के अंदर जैसे आपने ई कॉमर्स का जिक्र किया, तो ई कॉमर्स के अंदर यही डेटाबेस से ही सारे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। नंबर एक देखें, आपने लॉगिन साइन अप वो तो हम कर रहे हैं अभी, नंबर दो आपने जिक्र किया प्रोडक्ट लिस्ट सामने आ रही होती है, यही आपने जिक्र किया ना, तो वो जो लिस्ट सामने आ रही होती है तो कहीं ना कहीं पे एक डैशबोर्ड बना हुआ होगा जो हमें नहीं दिख रहा, जाहिर है हम जो यूज़ करने वाले हैं हमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन कोई ना कोई एक स्क्रीन होगी, साइन अप के टाइप की स्क्रीन होगी, वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते होंगे, प्राइस डिटेल लिख के सबमिट करते होंगे, तो जाके डेटाबेस में ऐड हो जाती होगी प्रोडक्ट। जब यूज़र उसको खोलता है तो वो गेट हो जाती है, गेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है प्रोडक्ट, ठीक है, तो कुछ इस तरह का हो रहा होता है। ये मेक सेंस है बात, समझ आई ये वाली कि कैसे हो रहा है ये? नहीं सर, थोड़ा सा और आप बता दें। ठीक है, अभी साइन अप का फॉर्म है ना, अभी साइन अप का फॉर्म है, उसमें मैं कुछ भी बात लिखता हूँ और सबमिट का बटन दबाता हूँ तो डेटाबेस में जाके यूज़र सेव हो जाता है मेरा, ठीक है, डेटाबेस में जाके यूज़र जब सेव हो जाता है तो फिर मैं गेट ऑल यूज़र करता हूँ तो डेटा गेट होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो प्रोडक्ट में ये डिफरेंट थोड़ी है, प्रोडक्ट में भी यही होगा, अब वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा लें जो मर्ज़ी डिस्प्ले करवा लें आप, ये समझ आई बात? सर एक अगर आप करके बता दें। असल में करके तो हम देखेंगे, थोड़ा सा अभी उसमें टाइम है, हम आगे करके देखेंगे। मैं असल में आपके क्वेश्चन को, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखें ऐसे, देखें फरमाइशी अगर प्रोग्राम चलेगा ना कि सर ये करके बता दें, देखें मैं आपको ना कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, मैं आपको पूरी पूरी ऐप बनाना नहीं सिखा सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैं आपको जो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो मेरा सवाल ये है कि जो साइन अप का हमने फॉर्म बनाया है उससे डेटाबेस में डेटा चला जाता है, तो इसी तरह एक फॉर्म बना हुआ होगा जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, उसकी डिटेल लिखेंगी, डिटेल लिख के सबमिट करेंगे आप, एक एक करके ऐड होता होगा ना प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ तो नहीं ऐड हो जाते होंगे, एक एक करके होता होगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट सारी डेटाबेस में चली गई। अच्छा, उसके बाद जब कोई यूज़र वेबसाइट ओपन करेगा तो वो डेटाबेस से उठ के सामने डिस्प्ले हो जाएगी आगे, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये गेट ऑल यूज़र का बटन हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने कहा कि कार्ट में कैसे डलेगा वो, ठीक है, तो कार्ट में डालने के लिए मैं लॉगिन हूँ ना, मेरा ईमेल आया हुआ है, मेरा ईमेल दिख रहा है कोने पे स्क्रीन के, जब मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ कि ऐड टू कार्ट कर दो इसको, तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में एक दूसरी कलेक्शन होगी जो कार्ट के नाम से होगी, उसमें मेरे ईमेल के साथ एक कार्ट, मेरे ईमेल के साथ वो प्रोडक्ट जाके पुश हो जाएगी डेटाबेस में, ठीक है, मैं जितने पे क्लिक करता जाऊँगा वो सारी डेटाबेस में ठक 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 जाती रहेगी, ठीक हो गया। अब डेटाबेस में जाके वो सेव हो गई, अब मेरे स्क्रीन पे कोने पे कार्ट का बटन आ रहा है, जब मैं उस पेज पे जाऊँगा ना तो मेरे कार्ट्स में जितनी प्रोडक्ट हैं वो सब उठा के मेरी स्क्रीन के आगे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, तो इस तरह से हो रहा होता है। फिर आगे उसके पेमेंट का प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो अच्छा जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये कोर्स जो है हमारा वो बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये कोर्स आपको इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाएगा, तो जाहिर है अब ई कॉमर्स की जो एक ऐप होती है वो उसमें पेमेंट वगैरह ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो बिगनर लेवल की नहीं है, ठीक है, जो बिगनर उसको नहीं कर पाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद अगर आप ये सोच रही हैं कि आप अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना शुरू कर दें तो दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जूनियर वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है, जब आप वहाँ पे जाएंगी तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए करें आप, वो बात अलग है, प्रैक्टिस के लिए मसला नहीं है, बल्कि एक अच्छा आइडिया आ गया ना मुझे, एक अच्छा आइडिया आ गया, ये प्रोडक्ट को ऐड करने वाला काम ना अभी कर, टू डू बनाएंगे, उससे अच्छा प्रोडक्ट ऐड करवा लें, ठीक
ठीक है, टू डू करने वाले थे ना हम, कि भाई लिख के मैं सबमिट करूँ तो जाके सेव हो जाए, तो मैं प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव करने वाला बनवा लेता हूँ, सही रहेगा ये फारिया? जी सर, थैंक यू। अच्छा कार्ट वाला हम नहीं कर पाएंगे, असल में कार्ट में भी वही प्रोसेस हो रहा है कि जैसे पहले ही होता है ना, फॉर्म फिल करके मैं भेजता था, अब मैं क्लिक करूँगा तो भी वो डेटाबेस में जा रहा होगा, तो कार्ट वाला हम नहीं कर पाएंगे। हम अभी ये करते हैं, हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट का नाम वगैरह सब कुछ लिखूंगा मैं, और लिख के सबमिट का बटन दबाऊंगा, वो डेटाबेस में चला जाएगा। अब वो डेटाबेस में जाके सेव हो गया, मैं एक और बनाऊंगा वो भी चला जाएगा, 3, 4, 5, मैंने 10, 12 प्रोडक्ट मैंने क्रिएट कर ली उस फॉर्म से। अच्छा फिर मैं एक दूसरे पेज पर जाऊँगा, मैं वहाँ पर सारी प्रोडक्ट मंगवा के उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक है? तो हम ये फ़िलहाल करने जा रहे हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो इसको मैं चेंज करके जो है ना प्रोडक्ट सर, जी दोस्त सर, ये जैसे ये हम डेटाबेस में पुश करवाते हैं डाटा को, तो सर ये हम वेबसाइट से अपनी एक्सेल शीट पे भी डाटा को पुश करवा सकते हैं? एक्सेल शीट पे भी करवा सकते हैं जी, एक्सेल की शीट लेकिन क्लाउड में होनी चाहिए, जैसे कि गूगल शीट हो गई, गूगल शीट को आप एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हैं। यस दैट इज करेक्ट। अच्छा मेरा ख्याल है ये सारा कोड मैं उड़ा देता हूँ, कोड बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच लिखता हूँ मैं, सही है, कोड में बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच लिखता हूँ सर्वर का। अच्छा ये मैंने एक अदद फोल्डर बना लिया, ये वाला, सही है, इसका नाम मैंने रखा है प्रोडक्ट लिस्ट और क्रेड ऑपरेशन, कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट होगी हमारी जिसको हम क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, सही हो गया। अच्छा इसके अंदर एक HTML का पेज है, HTML का पेज तो मेरे ख्याल है मैं दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, HTML के पेज में साइन अप फॉर्म है ना, इसको हटा के मैं क्या करूँगा, एड अ प्रोडक्ट, ठीक है ये नाम रख देते हैं इस पेज का, मैंने कहा कॉपी पाथ, और इसको मैं इस पेज को यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है, एड अ प्रोडक्ट का एक बटन आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है एड अ प्रोडक्ट यहाँ पे, तो ये एक पेज होगा, ठीक है, ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म में मैं प्रोडक्ट का सारा नाम लिखूंगा और पुश करूंगा तो वो डेटाबेस में जाएगा, सेव हो जानी चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो HTML का पेज तो खैर मैं इसको नहीं मिटा रहा, ये क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको हम रहने देते हैं वही। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक आता है सर्वर, सर्वर में से मैंने सब कुछ उड़ा दिया, सर्वर का कोड बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच लिखा जाएगा यहाँ पे आज। अच्छा तो पहले HTML का जो कोड है ना वो हम पूरा कर लेते हैं, कि HTML के कोड में क्या क्या होगा मेरे पास। अच्छा ऐड अ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्रिएट प्रोडक्ट, सही है, क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन का नाम भी नीचे मैं चेंज कर देता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा फर्स्ट नेम की जगह क्या होगा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम हो गया, ठीक है, फर्स्ट नेम हटा दिया मैंने। सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई, मैं अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ, स्टॉप करके दोबारा शेयर कर देता हूँ। किसी का मैसेज भी कुछ आया हुआ। अच्छा मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम हो गया सबसे पहला, और क्या क्या होता है प्रोडक्ट में यार, खोल लेते हैं ना कोई, हम वेबसाइट खोल लेते हैं, हम अली एक्सप्रेस खोल लेते हैं, ठीक है, अली एक्सप्रेस इज़ अ ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोडक्ट प्राइस होती है सर, सेल प्राइस, सेल प्राइस, परचेजिंग प्राइस, बस यहाँ से हम खोल के देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा मिसाल के तौर पे ये आ रहा है ना सामने हमारे, यार किसी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयरपोर्ट, ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ से कभी कुछ मंगवाया? हाँ, कैसी सर्विस होती है, सही सवाल यार, बहुत लेट आता है बस, बहुत लेट आता है और तो कोई मसला नहीं है, बहुत लेट आता है। अच्छा देखो भाई अब इसमें क्या क्या आ रहा है, एक इसके अंदर आ रहा है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की फ़ोटो, प्रोडक्ट की प्राइस, उसके बाद शिपिंग क्या है वो आ रहा है, अच्छा उसके अलावा कितना सोल्ड हो चुका है ये, और शिपिंग इसकी पेड है या फ्री है, और उसके बाद शॉप का नाम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमने भी यही सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अच्छा फ़ोटो, अभी हम फ़ोटो को छोड़ देते हैं जस्ट, फ़ोटो से अभी हमने डील नहीं किया,
फ़ोटो से डील करेंगे इंशाल्लाह, हम थोड़ा थोड़ा टाइम अभी बाकी है, फ़ोटो से भी डील करेंगे हम। अभी सिर्फ हम टेक्स्ट वाला कर लेते हैं, जो टेक्स्ट वाले आइटम है ना अभी सिर्फ हम वो कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम है, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की मैंने लिख दिया प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस में ना असल में दो यूनिट है, एक करेंसी भी है कि करेंसी क्या मुझे लगानी है, ठीक है। तो मैं करेंसी भी यहाँ लिख देता हूँ, कि पहले PKR लिखूँगा फिर वो लिखूँगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया करेंसी कोड, सही करेंसी कोड होता है असल में वो जो हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, टाइप इसका मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा, क्योंकि पहले ईमेल थी इसकी टाइप, वो नहीं रखनी मुझे। अच्छा, प्रोडक्ट प्राइस में मैं क्या कर दूंगा, नंबर कर दूंगा इसकी टाइप, मुझे नंबर में चाहिए इसकी टाइप, राइट। अच्छा, प्रोडक्ट नेम जो है वो टेक्स्ट है, वो तो सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या था अगला, करेंसी का कोड हो गया मेरा। करेंसी के कोड के बाद आता हूँ मैं अब इसमें एक चीज़ और भी लिखी हुई आ रही है, न्यू यूज़र डील, ठीक है। वेल, इसको छोड़ देते हैं, कितने सोल्ड हो चुके हैं अभी तक वो हमें बताना है यहाँ पे कि कितने सोल्ड हो चुके हैं। नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल मैंने लिख दिया कि एक नंबर यहाँ पे देंगे कि भाई कितना अभी तक बिक चुका है, नंबर ऑफ सेल। ठीक हो गया, और क्या चाहिए हमें, फ्री शिपिंग यस नो होगा, फ्री शिपिंग जो है वो क्या होगा, यस नो होगा वो। अच्छा, यस नो के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ड्रॉप डाउन चाहिए होता है, राइट। यस नो के लिए मुझे चाहिए होता है ड्रॉप डाउन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट के लिए मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ सेल नहीं, क्या था, फ्री शिपिंग। अच्छा, इज फ्री शिपिंग, जो भी बूलियन वैल्यू होती है ना उसके साथ मैं इज लगाता हूँ, ठीक है, ये एक तरीका है इसको करने का, इज फ्री शिपिंग इसका नाम रखा, तो इसमें ट्रू फॉल्स होगा, जहाँ पे शुरू में इज लगा हुआ इसका मतलब है कि वैल्यू ट्रू फॉल्स होने लगी है, ठीक है। और सेलेक्ट के अंदर मुझे क्या देना होता है, ऑप्शंस, ऑप्शन देना होता है ना, मैंने कहा यस, अच्छा इसमें ट्रू, ठीक है, अगर बंदा यस सेलेक्ट करता है तो वो ट्रू है, अगर बंदा नो सेलेक्ट करता है तो वो क्या है, फॉल्स है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लगा दिया और मैंने क्या बोल दिया, फ्री शिपिंग क्या है, अवेलेबल है या नहीं है, बंदा यस नो सेलेक्ट कर लेगा। SHI PP होता है, क्या होता है, डबल पी होता है। अच्छा, ये मैंने फ्री शिपिंग पे यस नो लगा दिया, अगर फ्री शिपिंग होगी तो यस लिखा हुआ आएगा, वरना नो लिखा हुआ आएगा। शॉप का नाम है लास्ट में सबसे, ठीक है, शॉप का नाम है लास्ट में, अच्छा शॉप नेम, ठीक है, इसको रखेंगे हम टेक्स्ट, ये शॉप का नेम ज़ाहिर है टेक्स्ट में होगा। अच्छा, और कोई चीज़ ऐसी जो हमने छोड़ दी हो, रेटिंग कितनी है इसकी, कितने सोल्ड हैं, सोल्ड के फ़ौरन बाद रेटिंग भी हमें पता लगानी है, जो नंबर ऑफ सेल था ना उसके बाद रेटिंग भी हमें पता लगानी है कि क्या है। अच्छा, रेटिंग जो है वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है, रेटिंग में मैंने नंबर का और मैंने कहा क्या होगा भाई, मिनिमम क्या होगी, 0 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, 5 होगी। 5 से ऊपर आप रेटिंग यहाँ पे नहीं इनपुट दे सकते इसको, प्रोडक्ट रेटिंग। तो ये मेरा कुछ फॉर्म तैयार हो चुका है कुछ इस तरह का, ऐड अ प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को जब मैं ऐड करता हूँ तो इसमें मैं क्या करता हूँ,
मैं ये सारी बातें लिखता हूँ, और ये सारी बातें लिखने के बाद साइन अप नहीं होगा, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट होगा, ऐड ऐड होगा, ऐड इन डेटाबेस, ठीक हो गया, ऐड इन डेटाबेस का बटन बना दिया मैंने यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे लिखनी होंगी वो सारी चीज़ें लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ऐड इन डेटाबेस का बटन दबा दूँगा, जिससे वो चीज़ जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी, राइट। अच्छा, और मैं ये नीचे वाली चीज़ें हटा देता हूँ, ये जो है ना गेट ऑल प्रोडक्ट, ये सब हटा देता हूँ मैं। एक दूसरा पेज होगा जिसके ऊपर प्रोडक्ट शो हो रही होगी मेरे, सेम पेज पे भी मैं कर सकता था ये काम, लेकिन सेम पेज पे मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ ये काम, मैं ये अगले पेज पे करूँगा किसी दूसरे पेज पे, क्योंकि सही है ना, क्योंकि ये वाला जो पेज होता है प्रोडक्ट को क्रिएट करने का पेज, ये हमें तो नहीं दिख रहा होता एज अ कंज्यूमर, आम तौर पे ये पेज हमें नहीं दिख रहा होता, ये पेज एडमिन के पास होता है सिर्फ इसका एक्सेस। ज़ाहिर है दराज डॉट पी के वाले ये पेज आपको तो नहीं दिखा सकते, ये अली एक्सप्रेस वाले ये पेज आपको तो नहीं दिखा सकते, तो ये पेज हमें दिख रहा होता है एज अ डिवेलपर या एज अ एडमिन, हमें सिर्फ दिख रहा होता है ये, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब अगला काम ये करना है कि यहाँ से मैंने तमाम चीज़ों को गेट करना है, सही है। आईडी कहाँ गई सबकी आईडी, सबकी आईडी मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल डी 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 डी, सही है, ये मैंने सबकी आईडी उठा ली यहाँ से। और अब मैं जो ये क्रिएट प्रोडक्ट, ये वाला तो नहीं था, क्रिएट प्रोडक्ट, अब मैं यहाँ से ना ये तमाम आईडीज़ को क्या कर लेता हूँ, ये मैं तमाम को उठा लेता हूँ, मैंने कहा लेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट वैल्यू, सही है, मैंने तमाम ये जितने भी थे ना सबकी क्या कर ली, इसको हटा देता हूँ, ये पुराना जो लगा हुआ है ना साइन अप वाला, अच्छा ये वैलिडेशन भी हटा देता हूँ कि पासवर्ड इक्वल टू दिस और नॉट, ठीक है, ये सब उठा लिया मैंने। उसके बाद अब मैं बॉडी में क्या भेजूँगा, अब बॉडी में मैं ये वाली चीज़ भेजूँगा, ठीक है, मैंने कहा लोकल होस्ट 3000 भेजो, अच्छा अब क्या बोलूँगा मैं, प्रोडक्ट, मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और प्रोडक्ट की राउट पे भेज रहा हूँ, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर यही पे गेट होगा तो इसका मतलब है मैं गेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ उठा के कहाँ भेज दी, मैंने अपने सर्वर पे भेज दी है, ठीक है। और सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, उस रिस्पॉन्स को क्या करो, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। अब ये रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रोडक्ट एडेड हो जाएगा या तो, और या तो ये होगा कि भाई प्रोडक्ट एडिंग फेल्ड, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो सही, कमर्शियली हम एक्सियोस की एपीआई यूज़ कर सकते हैं, अभी स्टडी के लिए फेच भी कर सकते हैं, एक्सियोस भी कर सकते हैं, कमर्शियली कोई इशू नहीं है, कोई बैकएंड ऐसा मसला तो नहीं कि पीछे से उनका कोई एपीआई इधर उधर हुई तो हमारा उस पर डिपेंडेंट है नहीं, ये तो खैर सभी में है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर इन्होंने अपडेट कर दी कोई ऐसी और इनके पास कोई एरर आ गया तो आपके सर्वर पर भी एरर आ जाएगा, ये तो फैक्ट है और ये सब में है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतने केयरलेस होके इसको करते नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्ट जो है ना उसके अंदर ये लगा हुआ होता है, तो अगर ये करेंगे तो बंद हो जाएगी इनकी कंपनी, और क्या होगा, अगले दिन कोई यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट वगैरह की एपीआई हम अपनी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो है, जैसे एजेक्स वगैरह भेजते हैं इस तरह से, ताकि डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, फैच यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, फैच मैंने इसलिए नहीं यूज़ की, थोड़ी मुश्किल है समझने के अतबार से, ये जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है, जावास्क्रिप्ट का अपना ही है, ये सेफ साइड है ना, मतलब बिल्कुल ही डिपेंडेंसी नहीं, नहीं नहीं सेफ साइड तो ये भी सेफ ही है भाई, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। गिटहब वाले नोटिफाई कर देते हैं अगर इस तरह का कोई चेंज आए तो ईमेल के जरिए। अच्छा भाई, दबे पुरानी डिप्लॉयमेंट तो नहीं हिलती आपकी, क्योंकि ये लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाती है, ये डाउनलोड होकर ना इधर पड़ी हुई आपके पास, जब तक आप इसका वर्जन अपडेट नहीं करेंगे ना फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो मसला नहीं है, सर ठीक। अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास अभी जो पैकेज डॉट जेसन है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाईजान जो, अबे एक्सियोस तो इसमें सेव ही नहीं, अच्छा वो एक्सियोस तो फ्रंट एंड है ना, वेल फ्रंट एंड पे आ जाते हैं, एक्सियोस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड किया हुआ है, कहाँ लगाया हुआ मैंने वो, ऊपर सीडीएन, मैंने बोला एक्सियोस डॉट मिन डॉट जेएस, मैंने कोई वर्जन मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है,
मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में करंट जो भी है वो उठा के ले आओ। तो मैं यहाँ पे वर्जन भी मेंशन कर सकता हूँ कि फला वर्जन ही लाना, उससे ऊपर नीचे मत करना। जैसे अगर जो सर्वर पे मेरे चीज़ें लगी हुई है ना, वो यहाँ पे आप देखें, मैंने कहा एक्सप्रेस का जो है ना 4.18.1 ये मिल जाए या इससे ऊपर का मिल जाए लेकर आ जाओ, ठीक है। तो मैं ये अगर हटा दूंगा ना ये वाला आइटम, फिर ये एग्जैक्टली 4.18 लाएगा, चाहे 2050 ही क्यों ना आ जाए, ये 4.18 से ऊपर का नहीं लाएगा, ठीक है। तो CDN की भी हम CDN पे भी हम लगा सकते हैं वो एग्जैक्टली, हम CDN डाउनलोड भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, CDN पे भी हम वर्जन लगा सकते हैं, हाँ, इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं आप। यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल ही तो है ये, उसको आप फिर आप ऐसे लगाएंगे, आप स्क्रिप्ट लिखेंगे और आप SRC करके ना आप ऐसे करके दे रहे होंगे, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। कहेंगे भाई कि जो भी नाम रखे हैं, आमतौर पे इसका नाम रखते हैं वो लोग libs स्लैश एक्सियोस डॉट मिन डॉट js, ऐसे करके भी आप लगा रहे होंगे, लेकिन मतलब अभी फ़िलहाल हम ये नहीं करते। CDN जो है वो सेफ़ है, उसका कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये CDN भी ना, ये जो मैं CDN उठा के ला रहा हूँ, ये मैं JS Deliver से उठा के ला रहा हूँ। JS Deliver इज़ अ सेपरेट कंपनी जो CDN प्रोवाइडर है, ठीक है। जिस दिन इन्होंने मस्ती की, इनकी भी कंपनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इनके पास तो कोड इसका पड़ा हुआ था, वो उसका CDN बना के दे देते हैं। जी हाँ जी हाँ, JS Deliver ने अपना सर्वर बनाया हुआ है और हज़ारों लाखों की तादाद में CDN ये इसने बांटे हुए हैं, और JS Deliver बोलता है कि भाई आप लाइब्रेरी बनाने वाले हो ना, आप CDN के पंगे क्यों पाल रहे हो, आप हमें दो, आप लाइब्रेरी पर तवज्जो दो, CDN हम संभाल लेंगे। JS Deliver ये बोलता है, और भी हैं दो चार इस तरह के मार्केट में फिर रहे हैं, कह रहे हैं आप लाइब्रेरी भी लिखोगे, आप CDN का सर्वर भी संभालोगे तो आप तंग हो जाओगे, इसलिए वो हमें करने दो, और शायद फ्री भी है ये, पैसे भी नहीं लेता। अच्छा, तो मैंने क्रिएट प्रोडक्ट का ये फंक्शन तैयार किया है, जो कि क्या होगा, मेरे फॉर्म के सबमिट करने पे ये फंक्शन चलेगा। इसमें मैंने क्या किया, जो भी मेरे फील्ड्स थी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, करंट कोड, ये सब मैंने उठा के एक वेरिएबल में कर लिया, और ये वेरिएबल में करने के बाद मैंने इसको सर्वर पे भेज दिया, और सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आया उसको मैंने यहाँ डिस्प्ले करवा दिया, सही हो गया। अच्छा, अब ये डिस्प्ले करवाने के बाद अब सर्वर पर जब ये पहुँचेगा तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं जनाब। आ जाते हैं सर्वर पे हम। सर्वर पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्सप्रेस की एक ऐप चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, इसको सिंगल कोट रखते हैं, ठीक है। डबल कोट वैसे जो ना नहीं लगाना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में कोशिश करना चाहिए सिंगल कोट लगाएं। अच्छा, एक्सप्रेस मैंने कर लिया, मैंने कहा इम्पोर्ट मोंगोस फ्रॉम मंगोस, ठीक है, ये एक्सप्रेस और मंगोस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने बोला लेट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस और इसको कॉल कर दिया, तो ये मेरी ऐप बन गई। फिर मैं बोलूँगा ऐप डॉट स्क्रीन नहीं शेयर, स्क्रीन नहीं शेयर, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, दोबारा शेयर कर देता हूँ ये लो। ठीक है, आई होप कि अब आ गई होगी मेरी स्क्रीन। अच्छा, तो मैंने कहा यार ऐप डॉट पोस्ट, और पोस्ट पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा स्लैश प्रोडक्ट, ये होगा मेरा, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, बल्कि रिस्पॉन्स ही रखते हैं फिलहाल, दो ही रखते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगा, ऐप डॉट लिसन, ठीक है, और ऐप डॉट लिसन करते हुए मैं क्या डालूंगा, एक पोर्ट का कोई नंबर डालूंगा, यहाँ पर कॉमा डालूंगा, एक अदद फंक्शन जो इसके रन होने पे चलेगा, कॉन्सोल डॉट लॉग ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट। अच्छा, ये मैंने लगा दिया क्या यहाँ पे, गलत मैंने लगा दिया, ठीक है, ये हो गया पोर्ट। अब ये पोर्ट जो है वो आएगा कहाँ से, इस पोर्ट के लिए भी मैं यहाँ पे एक सेटिंग बना लेता हूँ। मैंने कहा लेट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट ENV डॉट
पोर्ट और 3000, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता हूँ तो वो हरिको पे फिर एरर देता है। मैं डायरेक्ट 3000 भी लिख सकता था यहाँ, लेकिन मुझे इस तरह करके लिखने से ना फिर हरिको पे भी चल जाता है, वहाँ पे एरर नहीं देता वो, तो मैंने ये इसको चलवा दिया, ठीक है। प्रोडक्ट आ गई मेरे पास। अच्छा, ये प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे MongoDB का कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो MongoDB का जो कनेक्शन है वो मैं कहाँ से उठा के ले जाता हूँ, वो मेरे पिछले ऐप से उठा के लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बॉयलर प्लेट कोड है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो मैं पिछले वाले सर्वर में गया और पिछले वाले सर्वर से जाके मैंने क्या किया, ये जो मेरा कनेक्शन था ना MongoDB का, ये मैं उठा के ले आया, ठीक है। ये MongoDB किसका लगा हुआ है, ये हारून भाई ने बनाया था, जो ये वही डेटाबेस अभी तक लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने MongoDB का कनेक्शन ये पेस्ट कर दिया पूरा लागे, ठीक है। ये जो URL लगा हुआ है, ये जिसका भी डेटाबेस होगा उसमें जा रहा होगा। अभी फ़िलहाल ये हारून भाई ने जो डेटाबेस बनवा के दिया था उस दिन, क्योंकि मेरे पास टाइम लग रहा था तो उनसे बनवा लिया था, तो वही लिंक है ये मेरे पास अभी तक। तो मैं जो भी कुछ कोड इसमें लिखूंगा वो जुनेद हारून के पास जो डेटाबेस बना हुआ है उसी के अंदर जा रहा होगा, वो मेरे डेटाबेस में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसी URL के ज़रिए वहाँ जाके इसको देख भी सकता हूँ मैं, जो मेरे पास क्लाइंट इंस्टॉल है ना, इसका क्या नाम था उस क्लाइंट का, स्टूडियो 3T फ्री वर्जन, ठीक है। और एक MongoDB कंपास भी है, दोनों है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेल, तो मैंने अब क्या कहा, ये चीज़ तो मेरे पास आ गई ये वाली। अच्छा, मुझे एक अदद स्कीमा भी चाहिए, यहाँ पे स्कीमा चाहिए मुझे MongoDB का, जो भी प्रोडक्ट होगी। पहले तो यूज़र क्रिएट करता था मैं, तो उसमें मुझे यूज़र बना के दे रहा होता था। तो मैंने इसको बोला कि भाई लेट क्या मैंने लिखा, मोंगोस डॉट अच्छा ये मुझे डॉक्यूमेंट से देखना पड़ेगा, ये मैं कोड भूल गया हूँ, या मैं पुराने वाले अपने ऐप से देख लेता हूँ। ये पुरानी ऐप है, इसमें स्कीमा मैंने कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा करके बनाया हुआ है, ठीक है। वेल, मैं पूरे स्कीमा को भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन कर लूँगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट ही चल रहा है ये भी बॉयलर प्लेट है, स्कीमा इसी तरह बनेगा। मैं यूज़र स्कीमा से इसको अब क्या कर लूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये प्रोडक्ट स्कीमा है, ठीक है, बॉयलर प्लेट है ये भी। इसको मैं बोलूँगा प्रोडक्ट मॉडल है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रोडक्ट है ये, ठीक है। एस ये खुद ही लगा देता है प्रोडक्ट के आगे, एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम था साइनअप में, अभी मेरे पास क्या आ चुका है, अभी मेरे पास ये वाली सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई ये चीज़ें हैं सारी, क्रिएटेड ऑन को मैं रहने देता हूँ। मैंने कहा भाई ये सारी चीज़ें मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा प्रोडक्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉपी। प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो क्या होगी, नंबर है वो। करेंसी कोड जो है वो स्ट्रिंग है। नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या है, नंबर है। रेटिंग जो है वो भी नंबर है, ठीक है। फ्री शिपिंग जो है वो क्या है, बूलियन होगा, ठीक है। शॉप का नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा। और क्रिएटेड ऑन क्या होगा, डेट होगी, जो कि डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या देना है, जो अभी डेट है वही दे देना है, ठीक है। फ्री शिपिंग का सिंबल्स भी स्ट्रिंग में आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स वगैरह, सिंबल्स भी स्ट्रिंग में होंगे। जी जी, ऐसा ही है। सही है, फ्री शिपिंग की स्पेलिंग गलत थी, तो मैंने सब जगह, जहाँ जहाँ गलत थी सब जगह सही कर दिया उसको। सही है, फ्री शिपिंग की स्पेलिंग गलत थी, तो सब जगह जहाँ जहाँ गलत थी वहाँ सही कर दिया मैंने। अच्छा, तो ये मेरा एक स्कीमा बन के तैयार हो गया प्रोडक्ट का। अब इसी स्कीमा के ऊपर क्रिएट करड ऑपरेशन पूरा होगा, ठीक है, इसी के ऊपर करड ऑपरेशन पूरा होगा। अच्छा, आज जो हम MongoDB इस्तेमाल करेंगे ना, वो हम करेंगे एसिंक अवेट के ज़रिए, जो नया तरीका है MongoDB को इस्तेमाल करने का। पहले तो क्योंकि लॉगिन भी कर रहे थे साथ में, साइनअप भी कर रहे थे, MongoDB भी पढ़ रहे थे, दो दो चीज़ें, तो इसलिए मैंने एसिंक अवेट को छेड़छाड़ नहीं किया था। लेकिन आज जो हम क्रिएट करेंगे पोस्ट करने पे, सबसे पहले पोस्ट में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लेट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, ये मैं अलग कर लूँगा। अच्छा, बॉडी जब मैं मांगता हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, मुझे लगाना पड़ता है ऐप डॉट यूज़, और साथ में मुझे एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखना पड़ता है ऐसे करके,
ठीक है, वरना मुझे बॉडी क्या मिलती है, खाली मिलती है। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए होता है, कोर्स की लाइब्रेरी आपकी भी। तकरीबन 30 सेकंड आवाज, 15-20 सेकंड बीच में साउंड गायब हो गई थी। अच्छा, हैंग हो गए थे। ओके अच्छा, अभी तो शायद सही हो गया। नहीं नहीं अभी सही हो गया, पहले हैंग हो गए थे, पोजीशन बड़ी अच्छी सी थी। अच्छा अच्छा, तो मैंने अभी कहाँ तक सुन लिया था आप लोगों ने, क्या कर रहा था मैं उस टाइम? यूज़र प्रोडक्ट मॉडल आपने बना लिया था। हाँ, ये प्रोडक्ट मॉडल मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने बॉडी में जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मैंने अलग किया है। बॉडी के लिए मुझे एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कोर्स चाहिए होता है, ठीक है, ऐप डॉट यूज़। अच्छा, कोर्स मैंने ऊपर इम्पोर्ट भी नहीं किया हुआ, कोर्स ठीक है, कोर्स मैं ऊपर इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, कोर्स मैंने ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया। अच्छा, कोर्स को इसी तरह लगाते हैं ना, पिछले वाले में से देख लेता हूँ कैसे लगाते हैं। ठीक है, बाय द वे डॉक्यूमेंट से देखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही लगाते हैं, डॉक्यूमेंट में देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ पता ना चल रही हो कि अच्छा ऐसे लगती है कैसे, तो ये डॉक्यूमेंट में कैसे देखूँगा, मैं जाके लिखूँगा यहाँ पर कोर्स और एंटर करूँगा, तो ये NPM आ गया कोर्स का। इन्होंने बताया हुआ होता है कि कैसे लगाया जाता है, इन्होंने बोला ऐसे इंस्टॉल करो, ऐसे करके लगा लो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं इसे जाके देख सकता हूँ ऐसे करके। अच्छा, तो मैंने बॉडी के अंदर जो कुछ था वो अलग कर लिया यहाँ पे से। अब बॉडी के अंदर जो कुछ था उसको अलग करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें कोई वैलिडेशन तो मुझे लगानी नहीं है। जो ये सारी चीज़ें मेरे पास मिली हुई हैं मुझे, इसमें मुझे कोई वैलिडेशन तो लगानी नहीं है। बस मुझे एक चीज़ लगानी है कि सारी फील्ड मौजूद हो, मुझे सारी फील्ड मौजूद चाहिए। मैंने कहा इफ़, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सब चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बोलूँगा भाई सब चाहिए मुझे, सही है। मैंने कहा भाई सब चीज़ें होंगी मेरे पास, जब ही इसको जाने देना। सर मेरा एक सवाल था जी, एक कोर्स क्या काम करता है? कोर्स जो है वो गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है, जिसके ज़रिए क्या करता है वो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करता आपको, तो इस चीज़ के लिए हम ये कोर्स लगा रहे होते हैं। अगर कोर्स आप नहीं लगाएंगे तो आपकी ऐप गूगल क्रोम पे काम नहीं करेगी, बाकी सब जगह काम सही करेगी। Okay, सही है। असल में क्रॉस ओरिजिन का सीन ये होता है कि जब आप सर्वर कॉल करते हैं ना, जैसे ये mongojs.com है, mongojs.com है, अब इस फ्रंट एंड पे खड़े होके अगर आप सर्वर कॉल करेंगे ना sysborg.com का, तो वो गूगल क्रोम मना कर देता है, अलाउ नहीं करता। ठीक है, गूगल क्रोम बोलता है जिस फ्रंट एंड पे हो ना सर्वर भी उसी का ही कॉल होगा, किसी और का सर्वर कॉल नहीं कर सकते आप। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में जो फ्रंट एंड है वो github.io का होता है, और हम बैक एंड किसका कॉल करते हैं, हिरोकु का कॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो इसलिए हमें क्रॉस ओरिजिन लगाना ज़रूरी है हमारे लिए, समझ आई ये बात? ओके सर, समझिए। अगर वो सेम हो ना दोनों हरिको पे हो, जो कि हो भी सकता है, दोनों हरिको पे भी हो सकता है, तो फिर मुझे ये कोर्स लगा ना भी लगाऊँ तो चल जाएगा, लेकिन मुझे फिलहाल कोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने बोला इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो ना अगर, तो आप क्या बोलो, आप बोलो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, ठीक है, डॉट सेंड, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मैंने उसको बोला एक जेसन भेजो यहाँ पे, और जेसन के अंदर जो मैसेज है ना, मैसेज में क्या बताओ आप, मैसेज में बताओ रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है, सही है, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, और इसके नीचे मैंने एक लिस्ट बना दी, कौन सी वाली लिस्ट, मैंने इसी की एक लिस्ट बना दी। मैंने बोला भाई ये सारी फील्ड जो है ना वो रिक्वायर्ड है, सही है, ये सारी भेजोगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, बता दिया मैंने। एरर के मैसेज में थोड़ा सा गाइड भी कर दिया, इस तरह की गाइडेंस जब हम देते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API। और यहीं पे मैंने रिटर्न भी कॉल करवा दिया कि भाई अगर यहाँ से आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये इफ़ मैंने वैलिडेशन के लिए लगा दिया, और मैंने कहा यहाँ से आगे भी नहीं जाने देना अगर इस इफ़ में आ गया तो। अच्छा, एल्स में अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तमाम डेटा जो है क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है, ये मैंने गड़बड़ पता है क्या की है,
मुझे बॉडी डॉट करके लगाना था ये सारा, मुझे करना था बॉडी डॉट, सही है, बॉडी के अंदर आया ना ये सब कुछ, बॉडी करके डॉट लगाना था मुझे, तो अब मैंने सही लिखा है। अब मुझे डेटाबेस के अंदर इसको सेव करवाना है तमाम चीज़ों को, तो अब मुझे तरीका क्या है मेरे पास, यूज़र मॉडल क्यों नहीं मिल रहा, यही नाम लिखा था ना, अच्छा प्रोडक्ट मॉडल लिखा था ना, प्रोडक्ट मॉडल हो गया अब तो हमारा, यूज़र अभी यूज़र को याद कर रहा हूँ मैं, मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐसे पूरा दूंगा, तो मैं ऐसे करके भी क्या कर सकता हूँ, इसको सेव करवा सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता था, कॉमा डाल के पहले क्या देता था, एक मिनट मैं ज़रा मोंगोस के डॉक्यूमेंटेशन से देख लेता हूँ कि एसिंक अवेट वाला जो तरीका है सेव करवाने का वो कौन सा वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, और फिर हम कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यार, ये तीन तरीके बताए मैंने उन्होंने, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट डॉट क्रिएट, एक मिनट यार क्रिएट पे हाथ रख के देख लेते हैं थोड़ा, आप सही है प्रॉमिस दे तो रही, स्कीमा डॉट क्रिएट डॉक डॉक डॉक, सही है डॉट प्रॉमिस, अच्छा प्रॉमिस में क्या देता है भाई, प्रॉमिस के चार ओवरलोड्स हैं, ओके लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, वेल अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने पहले प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट नेम के अंदर बॉडी डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस में बॉडी डॉट प्रोडक्ट प्राइस, करेंसी कोड में बॉडी डॉट करेंसी कोड, नंबर ऑफ सेल के अंदर बॉडी डॉट नंबर ऑफ सेल, ठीक है, तो ये मैंने कोड लिख दिया। अच्छा और मैंने बोला प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, और प्रोडक्ट डॉट क्रिएट करने के बाद मैंने कहा ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दो आप, और इसका जो है रिज़ल्ट मुझे इधर दोगे आप, रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है, इसका मुझे रिज़ल्ट आप कैसे दोगे, इस जगह पे आप मुझे दोगे रिज़ल्ट इसका। अच्छा और एरर आएगा तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, डॉट कैच, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, एरर इन डीबी, सही है, ई डबल आर ओ आर, ठीक है, ऐसे करके होता है एसिंक वाला। अच्छा ये जो अवेट मैंने लगाया ना यहाँ पे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एसिंक लिखना पड़ेगा, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एसिंक अवेट वाला ये थोड़ा जदीद तरीका है, उसी मोंगो वही मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी चेंज नहीं हुआ, सही है, तरीका भी वही है, स्पीड भी वही है, सब कुछ वही है, ये लिखने का उसको थोड़ा नया तरीका है ये, ठीक है, एसिंक अवेट जो पहले लिखा था वो भी ठीक है, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ पे मुझे मिल रहा नहीं है भाई दबे एसिंक का वेट की, इन्होंने एग्जांपल नहीं बताई भी, या पता नहीं बताई भी है, मुझे मिल रही नहीं है, एसिंक करके लिखूँ यहाँ पे ज़रा क्या आता है, ये तो क्वेरीज में है ना, क्वेरीज में नहीं है मुझे, मैं अलग से गूगल मारता हूँ क्या रही। अच्छा प्रोमिसेस का जो चैप्टर है उसमें इन्होंने ये बात डिस्कस की हुई है ना, प्रोमिसेस का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने ये बात डिस्कस की हुई है, तो वहाँ पे हमें ये बात पता चलेगी। सही है, यही तरीका है। अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग रिजल्ट को
कंसोल करवा लेता हूँ, ठीक है, अगर वो सेव हो गया तो। अच्छा, और अगर यहाँ पे एरर आया है तो एरर की सूरत में मैं क्या बोलता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, स्टेटस भी लगा देता हूँ, स्टेटस 500 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एरर इन सेविंग प्रोडक्ट, सही है, डीबी एरर भी लगा देता हूँ कि डेटाबेस का एरर है, पता चल जाए। तो एरर यहाँ पकड़ में आ गया और जो सक्सेस होगा वो मुझे यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, करते हैं, ट्राई करते हैं इसको चला के, इतने को चला के देखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी लगा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो भी रिजल्ट होगा ना। सर, ये रिजल्ट जो बना है इसकी आईडी बनानी पड़ेगी पहले। सॉरी, आईडी क्या मतलब? ये लैब रिजल्ट अवेक लिखा है ना? हाँ, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर रिजल्ट आएगा। अब मतलब वेरिएबल का नाम है ये वेरिएबल का result. नाम है, हाँ, ठीक है। दो आते थे ना पहले, एक एरर आता था, एक सक्सेस आता था, तो ये एरर तो यहाँ पे पकड़ में आ गया, सही है। ये ई लिखा हुआ है, जो इस ई को कॉमा डाल के मैं यहाँ पे क्या करवा देता हूँ, कंसोल भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो ई इफ एरर जो था ना, नॉट एरर वाला, वो यहाँ पे पकड़ में आ गया और जो रिजल्ट होता था वो यहाँ पे पकड़ में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पकड़ में आ गई, थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ा लिखने का, काम सेम कर रहे हैं, काम मुख्तलिफ नहीं है, काम बिल्कुल सेम है। मैसेज में मैंने कहा भाई प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इज एडेड इन द डेटाबेस, सही है। अच्छा, इन सब में भी ना मैसेज का मैंने वो नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सही है। कहीं पे भी सीपीयू में कोई भी भेजूंगा ना चीज़, तो वहाँ पे मैं मैसेज बना के भेजूंगा ना। यहाँ पे भी लिखा है ना अंदर मैंने मैसेज, हाँ यहाँ लिखा हुआ है मैसेज मैंने। तो नाउ फाइनली माई कोड इज़ रेडी, सही है। अब इस कोड में छोटे मोटे कोई एरर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा कोड ब्लाइंडली लिखा है, बगैर चेक किए लिखा है, बगैर देखे लिखा है पूरा का पूरा कोड, ठीक है। तो मैं पहली दफ़ा जब इसको चलाऊंगा तो हो सकता है इस कोड में कुछ एरर्स हों, तो उनको मैं सॉल्व कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये मैं इस कोड, ये ऑलरेडी बल्कि चल रहा है यहाँ पर मेरे पास ना, इसको रिफ़्रेश कर लूँगा जस्ट। मैं रिफ़्रेश किया मैंने, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल मैंने ओपन रखना है, जब भी मैं कुछ चला रहा हूँ चेक कर रहा हूँ कंसोल ओपन रखना है। दूसरी मुझे क्या चीज़ ओपन रखनी है, ये जो मेरा डेटाबेस है, ये वाला, ये जो मेरा डेटाबेस है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है और मुझे जाके मोंगो डीबी कंपास में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टूडियो 3D कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो 3D लास्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे, वही कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट सर रिस्पॉन्स जो डेटा में आ रही होंगी ना? हाँ। अच्छा, ये पहले से जो कनेक्शन बना हुआ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ जस्ट इन केस, ठीक है, जस्ट फॉर योर। अच्छा, न्यू कनेक्शन करके मैंने पेस्ट मारा यहाँ पे, नेक्स्ट किया, ऑटोमेटिक इसने सब चीज़ें उठा ली हैं और सेव का बटन दबा दिया और कनेक्ट का बटन दबा दिया, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास जो लिंक सर्वर में लगा हुआ है वही लिंक यहाँ पर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये जो डेटाबेस मेरा है ना, सोशल मीडिया बेस, अब इसको मैं ना डेटाबेस का नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, जस्ट ये हटाना है और यहाँ पे मैंने लिख देना है कि ई कॉमर्स डेटाबेस, सही है। ई कॉमर्स की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिखी है, ई कॉमर्स डेटाबेस, हैंग हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये ई कॉमर्स डेटाबेस क्या हो जाना चाहिए, इसको पता चल जाना चाहिए। अच्छा, इसको मैं रन दोबारा से कर लेता हूँ, npm run dev करके मैं इसको चला रहा हूँ, जो कि नॉर्ड मॉन के ज़रिए चलता है। npm run dev में मैंने क्या बताया था वो सब आप लोग जानते हैं पहले से, ठीक है, जिसको नहीं पता वो शुरू वाली वीडियो देख ले, इंट्रोडक्टरी वाली, मैं वैसे दिखा भी देता हूँ। npm run dev में ना नॉर्ड मॉन करके चलेगा, ये इस तरह करके स्टार्ट में ये चलेगा, ये प्रोडक्शन के लिए होता है npm start, और dev जो है वो डेवलपमेंट के टाइम के लिए होता है। नॉर्ड मॉन से क्या होता है, वो खुद ही रिफ्रेश होता रहता है, हमें करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने नॉर्ड मॉन चला लिया, तो अब यहाँ पे ना डेटाबेस में ऑलरेडी एक दूसरा क्रिएट हो चुका होगा, यहाँ राइट क्लिक किया मैंने, कंट्रोल आर दबा दिया, नहीं, रिफ्रेश ऑल, तो यहाँ पे एक दूसरा ना बन के आ जाना चाहिए। अच्छा, अभी नहीं बन के आएगा, जब शायद वो उसमें डेटा जाएगा जब आएगा बन के, ऐसा है ना, आना चाहिए यार, अभी आ जाना चाहिए, रिफ्रेश ऑल,
ये क्या सीन है भाई, डिस्कनेक्ट मार के दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। हाँ तो जाना चाहिए था। वेल आया नहीं है अभी तक। इसका नाम क्या है, ई कॉमर्स डेटाबेस ना। हाँ सही है, ये आ जाना चाहिए वहाँ पे बन गया ना। जैसे सोशल मीडिया बेस आ रहा है ना, इसके नीचे बना हुआ आएगा ये। वेल तो हम एक काम करते हैं, हम इसको हिट करके देखते हैं ज़रा क्या होता है। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट का नाम है एप्पल एयर पॉड मास्टर कॉपी। सही है, प्रोडक्ट की प्राइस है 4000, करेंसी कोड है इसका PKR। सही है, PKR कैपिटल में लिख देता हूँ मैं। नंबर ऑफ़ सेल जो है ना 2000 में सेल कर चुका हूँ 2000 आइटम। प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो 4 है। अच्छा ये पॉइंट में देना था ना 4.5 है, बहुत ही छोटा कर दिया इसने ये। खैर इसको मैं HTML से खींच के बड़ा भी कर सकता हूँ। फ्री शिपिंग यस अवेलेबल है। और शॉप का जो नाम है वो क्या है, सिसबॉर्ग एंटर ई स्टोर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैंने इसका अपने शॉप का नाम इसमें बता दिया कि भाई सिसबॉर्ग ई स्टोर है ये। और मैंने ऐड इन डेटाबेस का बटन प्रेस किया तो ये क्या कर रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू विद इन 4 and 5। मैंने अभी क्या लिख दिया इसमें, चलो 4 लिखते हैं फिलहाल, कुछ मैंने वैलिडेशन में गड़बड़ कर दी है। अच्छा 404 लिखा हुआ आ गया, 404 लिखा हुआ आ गया, इसको ये मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला भाई, पोस्ट स्लैश प्रोडक्ट सही तो लिखा हुआ है मैंने। नेटवर्क में जाके देखता हूँ मैं क्या हुआ है। सही है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है और लोकल हो 3000/product। तो अब क्या मसला है, 3000 पे ही चल रहा है मेरा सर्वर। हाँ भाई किसी को समझ आया ऐसा क्यों हुआ? सर HTML पे चेक करें, स्लैश प्रोडक्ट किया था। हाँ ना ये आ तो रहा है यहाँ पे, नेटवर्क में जो रिक्वेस्ट गई है ना वो स्लैश प्रोडक्ट पे ही गई है। ये रही, इसको क्लियर करके मैं एक दफ़ा और रिक्वेस्ट कर देता हूँ। स्लैश प्रोडक्ट पे ही गई है रिक्वेस्ट, तो कह रहे हैं नॉट फाउंड। ये क्या सीन है भाई, सर्वर रिस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा? अच्छा सर्वर पे ऑप्शन की रिक्वेस्ट सही हो गई है, ये एक्चुअल रिक्वेस्ट पे इसने मसला किया है। ऑप्शन की रिक्वेस्ट आ जाती है बाजू का? नहीं ऑप्शन की रिक्वेस्ट तो गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है। ये भी गूगल क्रोम ना एक ऑप्शन की रिक्वेस्ट देके भेजता है कि ये सर्वर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। वो कोर्स जो हमने लगाया ना लाइब्रेरी, वो कोर्स की जो लाइब्रेरी है वो इसको हैंडल कर लेती है इस मसले को। यार ऐसा क्या हुआ भाई, इसका मैं दोबारा से कॉपी पास करके उसको दोबारा से रन करता हूँ। कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? 404 तो मैंने यहाँ से कहीं नहीं। इस तरह का इश्यू मेरे साथ लॉगिन बनाते हुए आ रहा है। एक मिनट यार, मैं इसको npm स्टार्ट करके ज़रा npm स्टार्ट वाले तरीके से एक दफ़ा चला लेता हूँ। 3000 पे ये चल रहा है। सही है, npm स्टार्ट वाले से एक बार मैंने चला कर देखा। यार ये क्या सीन है, मेरा सर्वर भी रन हो रहा है, सब कुछ सही है। प्रोडक्ट की स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दी मैंने, PRODUCT, और PRODUCT सही है बिल्कुल। यार प्रोडक्ट की स्पेलिंग, लोकल होस्ट की स्पेलिंग तो गलत नहीं कर दी मैंने, LOCAL HOST होस्ट सही तो है। एक इसमें छोटा सा और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, app.get और पोस्टमैन से भेज के देखें सर, बाज़ूकात पोस्टमैन से रिक्वेस्ट जा रही होती है अपने क्लाइंट से नहीं जा रही। हाँ मैं वही अभी देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा सर्वर जो है वो आया कि मेरे कोई इशू है या फिर जो है ना।
ठीक है, मैं गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ। अगर मैं लोकल होस्ट 3000/product पे अगर गेट की रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, तो रिस्पॉन्स में मुझे हेलो मिलना चाहिए। अगर हेलो मिल जाता है तो उसका मतलब मेरा सर्वर क्या है, चल रहा है बिल्कुल सही। ये मैंने सर्वर को रन कर दिया अपने। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा लोकल होस्ट कॉलन 3000/ की भेजी मैंने, तो ये किसने कहा कैन नॉट गेट, कैन नॉट गेट कह रहा है ये क्या हुआ यार मेरे सर्वर को। एक काम करता हूँ, सर्वर तो उन्होंने डिलीट नहीं कर दिया, नहीं वो तो लोकल चल रहा है ना मेरे पास सर्वर, मैं 3001 पे चला देता हूँ इसको, ठीक है ये कर देता हूँ 3001 पे चला देता हूँ। अरे ये तो अभी भी 3000 पे चल रहा है, ये क्या सीन है यार, ये सर्वर हैक तो नहीं हो गया कहीं? नहीं नहीं सर्वर हैक नहीं हुआ, ये मेरे समझ में आ गया क्यों हो रहा है। ये मेरे पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है पोर्ट के नाम से, इसलिए हो रहा है ये मेरे पास ना पोर्ट के नाम से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है। तो मैं डायरेक्ट 3001 कर देता हूँ, पोर्ट हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, ठीक है। सिस्टम में ना आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट हो जाते हैं, तो मैंने 3000 सेट किया हुआ होगा मे भी। अरे ये क्या सीन है यार, ये तो अभी भी, अबे भाई मैं गलत फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ ना, मैं 8 में नहीं खड़ा हुआ, मैं 7 के फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ। इसको कैंसिल किया, CD डॉट डॉट, ये 7 पे खड़ा हुआ था मैं, CD 8। ये अब आया हूँ याद है माजी। एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है, सही कह रहे हैं आप, मैं गलत फोल्डर में खड़ा हुआ था। जो एक्चुअल सर्वर है वो बंद है, एक्चुअल सर्वर चल ही नहीं रहा था, वो गलत फोल्डर में खड़ा हुआ था और दूसरा सर्वर में रन कर रहा था, तो मैं वापस इधर सैलाब पे सैलाब आ रहा है। हाँ ना सही है, अब ये सही वाला सर्वर मैंने रन किया है। मैं 7 नंबर फोल्डर में खड़ा हुआ था, मैं 8 नंबर फोल्डर में था ही नहीं। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, रिफ्रेश किया मैंने अब इसको, लोकल होस्ट 3000 अच्छा अभी भी 3000 पे मुझे मिला नहीं है ये प्रोडक्ट। हाँ सही है, हेलो आ गया ना, अब मेरा सर्वर प्रॉपर चल गया। अब मैं यहाँ से हिट करूँगा तो ये मिल जाना चाहिए, प्रोडक्ट एडिड इन डेटाबेस, भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है लास्ट वाला, ये वाला 200 हो गया और प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है मेरे पास डेटाबेस में। ठीक है भाई, अच्छा एक प्रोडक्ट मैं और ऐड कर देता हूँ, मैं इसमें बोलता हूँ कि यार एप्पल 8 वाट चार्जर, ठीक है ये 2000 का PKR है, ये 500 यूनिट बिक चुके हैं, इसकी रेटिंग जो है वो 5 है, फ्री शिपिंग यस है, और ये भी मेरे ही स्टोर का है, ये भी ऐड हो गया। ठीक हो गया जी, तो 2 प्रोडक्ट मैं इस वक्त तक ऐड कर चुका हूँ। अब ज़रा डेटाबेस में जाके मैं इसको देख लेता हूँ कि डेटाबेस में वो मेरे पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। ठीक है, अच्छा देखो ई कॉमर्स स्टोर भी बना हुआ आ गया, पहले भी ना ये बना हुआ क्यों नहीं आ रहा था, ये बना हुआ इसलिए नहीं आ रहा था कि मेरा सर्वर रन ही नहीं हो रहा था, वो कोई और ही सर्वर चला रहा था मैं, इसलिए भाई वही बना हुआ क्यों नहीं आ रहा। वेल तो ई कॉमर्स डेटाबेस के अंदर ये क्या बना हुआ आ गया, एक कलेक्शन आ गई जिसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, और वो कलेक्शन पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे वो जो प्रोडक्ट अभी तक ऐड हो चुकी है इसके अंदर वो मुझे दिखा देता है ये। ठीक हो गया, जल्दी से दिखा दे बस ये, मैं तो बोलता हूँ आज की ज़िंदगी में ही दिखा दे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट मेरे पास लगाता है, 2 प्रोडक्ट मेरे पास थी, दोनों प्रोडक्ट इसने मुझे दिखा दी। मैं जितने ऐड करते जाऊँगा सारे यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे शो करता चला जाएगा, ये उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी प्राइस, ठीक है उसका करेंसी कोड, तमाम चीज़ें ये मुझे दिखाता चला जाएगा। ठीक है, अब अगला काम मैंने क्या करना था, अगला काम मैंने ये करना था कि मुझे एक दूसरा पेज बनाना था यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं तमाम इन प्रोडक्ट्स को ला के डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, मुझे एक ये पेज बनाना था ऐसा वाला, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ, मैंने कहा प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं ये सेम पेज पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आमतौर पर ये अलग अलग पेजेस में हुआ हुआ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी कि भाई अली एक्सप्रेस। ठीक है, अली एक्सप्रेस है ये मिसाल के तौर पे। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म नहीं चाहिए, कोई फॉर्म को उड़ा दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे क्रिएट प्रोडक्ट भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी मैंने उड़ा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि इस फॉर्म, इस पेज के लोड होने पे एक फंक्शन ऐसा चले जो क्या करे,
गेट ऑल प्रोडक्ट कर ले, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेज के लोड होने पे क्या करें, ये फंक्शन चले और तमाम प्रोडक्ट को गेट कर ले। तो मुझे सबसे पहले ये तमाम प्रोडक्ट को गेट करने वाला जो API है वो बनाना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है। तमाम प्रोडक्ट को गेट करने के लिए जो API है वो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। मैंने सिर्फ पोस्ट करने के लिए API बनाया है, गेट करने के लिए कोई API नहीं बनाया है। ये गेट की API है मेरी एक्चुअली। तो मैं आ जाता हूँ, अब गेट की API अच्छी तरह बना लेता हूँ। अच्छा, गेट की जो मैं API बनाऊँगा, इसमें सबसे पहले मैं क्या देखूँगा कि इसमें S लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट जब गेट होती है तो हमें REST API के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप प्रोडक्ट में S लगाओगे आप, ठीक है। तो प्रोडक्ट में मैंने S लगा दिया। अच्छा, जैसे ही ये फंक्शन हिट होगा, जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास गेट प्रोडक्ट्स की, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड कर दिया मैंने। और फाइंड करने के बाद मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूंगा। मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी मौजूद है ना प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, जितने भी कुछ मौजूद है सब उठा के ले आओ, ठीक है। और मैं साथ में लगाऊंगा डॉट exec, ठीक है। ये मैं async वाला तरीका कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी फाइंड तो सबके लिए चल रहा है ना, फाइंड वन भी यूज हो सकता है क्या? नहीं, फाइंड वन नहीं हो सकता ना इसमें, फिर एक ही लाएगा वरना फाइंड वन होगा तो। असल अभी जो इससे मैंने पहले पूछा था तो आपने कहा था फाइंड वन भी एक आएगा, ठीक है, लेकिन फाइंड भी करता है, लेकिन वो सब पे चेक करेगा। नहीं भाईजान, देखें दोबारा से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी क्वेरी देता हूँ, मैं यहाँ पे इसके दरमियान में जो भी क्वेरी देता हूँ, फाइंड जो है क्या करेगा, उस क्वेरी को लेके हर हर आइटम के पास जाएगा, जहाँ जहाँ मैच होगी सबको उठा के ले आएगा, ठीक है। अभी मैंने क्राइटेरिया क्या दिया है, खाली खाली क्राइटेरिया का मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है ना सबसे मैच कर जाएगा, ये खाली है। तो क्या करेगा, फाइंड कहाँ जाएगा, तमाम आइटम्स पे जाएगा डेटाबेस में, अभी दो प्रोडक्ट मौजूद ना दोनों के पास जाएगा और चेक करेगा इस क्राइटेरिया पे, मैच कर जाएगा तो दोनों को उठा के ले आएगा। तो फाइंड का मतलब मुझे क्या है, राइट नाउ मुझे फाइंड दो आइटम रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं उसको कर दूं वन, ठीक है, और क्राइटेरिया मैंने अभी भी खाली रखा हुआ है, ये इस खाली क्राइटेरिया को लेके सबसे पहले किसके पास जाएगा, पहले आइटम के पास, उससे ये मैच हो जाएगा, ये वहीं से वापस आ जाएगा। ओके, तो फाइंड वन का मतलब है कि फाइंड वन हमेशा मुझे एक ही आइटम देगा, चाहे मैच होने वाले 10 भी पड़े हुए हों तो एक ही देगा मुझे। तो मैं सर, ये इससे आगे जो लिखा हुआ है exec, हाँ ये अभी async await वाला जो तरीका है ना उसमें इसी तरह होता है ये, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे कॉमा डाल के ऐसे देते थे ना, और एरर कॉमा रिस्पॉन्स ऐसे देते थे, ठीक है, वो पुराना तरीका था। ये अभी async await वाला ये नया वाला तरीका है, ठीक है, ये इसी तरह चलता है। अच्छा, तो रिजल्ट मेरा यहाँ रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, और अगर कोई एरर आया मेरे पास तो कहाँ आ जाएगा, अभी एरर को भी देखते हैं। मैंने कहा भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैं क्या करूँ, आप ये पूरा रिजल्ट उठा के भेज दो एज इट इज़, ठीक हो गया। रिजल्ट असल में एक एरर है ये वाला, ये ऐसे भेज दो आप उठा के। अच्छा, अगर इसके अंदर डॉट कैच लगाओ, अगर कोई एरर आ गया इसको चलाने के दौरान तो क्या करोगे आप। अच्छा, इसको मैं दो तीन लाइनों में ब्रेक कर लेता हूँ, ये एक ही लाइन में ना काफ़ी लंबा हो गया है, सही है, ऐसे करके हम तीन लाइनों में ब्रेक कर लिया मैंने। मैंने कहा भाई कॉन्सोल डॉट लॉग करोगे सबसे पहले तो आप, कि क्या हो गया है, एरर इन DB, सही है, कॉमा डाल के इस एरर को कंसोल भी करवा दोगे आप। एक तो कंसोल करवा दिया, नंबर दो काम क्या करोगे आप, इसको यहीं से रिटर्न कर दोगे आप, सही है। नंबर तीन काम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करोगे आप, और उसमें बनाओगे आप मैसेज एरर इन गेटिंग ऑल PRODUCTS, ठीक है। डॉट स्टेटस भी लगा दोगे आप इसमें 500, क्योंकि सर्वर की साइड से एरर है 500, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अवेट, ठीक है। अच्छा, जब मैं वेट लगाऊंगा ना तो मुझे यहाँ async भी लगाना होगा, ये हमेशा याद रखना है आपने। ये कोड निस्बतन सिंपल है, ज़रा देखने में ना शॉर्ट कट है थोड़ा सा, ये इसमें कोड लिखना थोड़ा कम पड़ रहा है। इससे पहले वाला जो था ना उसमें if else बहुत सारे हो जाते थे, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती थी क्रिएट। ये थोड़ा सा सिंपल है, जो नया वाला तरीका है ना async await वाला, ये थोड़ा सा सिंपल है,
ठीक है, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स मैंने मारा है यहाँ पे, जैसे ही गेट ऑल प्रोडक्ट्स करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, या तो इस रिजल्ट के अंदर मुझे सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं फाइंड के नतीजे में, अगर कोई एरर आता है तो ये कैच मेरे पास वो चल जाता है उस एरर के लिए, ठीक है। और इस कैच के अंदर मैं बोलता हूँ यहीं से रिटर्न हो जाओ, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है आपने, ठीक है जी। और इसको मैंने यहाँ पर, अच्छा इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना के भी भेज सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा प्रोडक्ट डेटा, सॉरी, ठीक है, मैंने डेटा करके यहाँ से रिजल्ट भेजा है, या मैं डायरेक्ट भी भेज सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आपको एक स्कीमा तैयार कर लेते हैं आपके, अच्छा जब भी रिस्पांस आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, तो मैंने बोला जब भी डेटा होगा वो डेटा में होगा और मैसेज में मैसेज होगा, तो यहाँ पे एक मैं मैसेज भी बना लेता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स ये कोड जो है वो एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में है, ये वाला, हाँ जी बिल्कुल मौजूद है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में होगा, ठीक है, क्योंकि ये मोंगोस का कोड है, ये एक्सप्रेस का कोड नहीं है। अच्छा ये मैं आपको मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ किस जगह लिखा हुआ है, मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में क्वेरीज में हम आएंगे, ठीक है, क्वेरीज, ये क्वेरीज आ गई, इसमें मैंने कौन सा चलाया, फाइंड, ये वाला चलाया, राइट। अब फाइंड में जैसे मैं गया तो आप देखें ये एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका और ये चार तरीका और ये पांच तरीका लिखे हुए हैं, जिसमें एक अवेट वाला तरीका भी मौजूद है जिसके आगे ये डॉट एग्जिट लगा हुआ है, सही है। तो ये मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है और इसकी नीचे मज़ीद एग्जाम्पल भी होगी शायद, ठीक है, मज़ीद एग्जाम्पल भी होगी नीचे इसकी, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेरी रन करनी है ना, तो आप क्वेरीज़ में आओगे सीधा, ये सारी क्वेरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं पहले से, ठीक है, डिलीट भी है, फाइंड भी है, फाइंड वन भी है, अभी तक हमने कौन कौन सा यूज़ कर लिया, फाइंड और फाइंड वन किया है हमने, अभी तक दो ही यूज़ किया है, ठीक है। तो फाइंड वन को अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो देखें फाइंड वन के अंदर भी क्या मौजूद है, अवेट वाला तरीका भी है और बग़ैर अवेट वाला भी है, यानी बग़ैर अवेट वाले का मतलब है कॉल बैक फंक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है, जो अवेट वाला है उसमें कॉल बैक फंक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों तरीके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। वेल, तो अब इसको ज़रा चला के देखते हैं कि तमाम प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये देख लेते हैं चला के। अब मैं प्रोडक्ट्स के पेज पे गया तो यहाँ पे मुझे क्या आ गया, एक प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बना लिया मैंने, और मैंने कहा ये फंक्शन क्या करोगे आप, ये फंक्शन आप फ़ौरन ही कॉल कर दोगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स का। ये फ़ौरन कॉल करने का क्या मतलब है कि एक पेज जैसे ही लोड होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप इस पर क्या करोगे, एग्जॉस्ट डॉट गेट करोगे आप, ठीक है, इसमें आप लगाओगे लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश, अरे HTTP नहीं लिखा, हाँ HTTP लिख देता हूँ, ठीक है, ये लगा दोगे आप। अच्छा उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके बाद आपको मिलेगा डॉट देन, ठीक है, ऐसे ही होता था ना। अच्छा एग्जॉस्ट में थोड़ा सा अभी देख लेता हूँ, भूल गया मैं कैसे होता था, तो कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट इधर है, एग्जॉस्ट NPM यहाँ से मैं उठा लूँगा कैसे भेजते थे। अच्छा इसमें भी ना अवेट वाला भेजते हैं हम, इसमें भी अवेट वाला तरीका मौजूद है, राइट, इसमें अवेट वाला तरीका यहाँ पर भी कर लेते हैं, नया तरीका है ये, बिल्कुल नया मुन्ना है ये, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो ये अवेट वाला तरीका हम इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अवेट जब भी हम लगाते हैं तो फंक्शन एसिंक होना चाहिए, तो फंक्शन से पीछे एसिंक मैंने लगा दिया। इसमें कोड थोड़ा सा शॉर्ट होता है अवेट वाले में, और मतलब थोड़ा सिंटैटिक शुगर है असल में, ये है प्रॉमिस ही है ये, लेकिन सिंटैटिक शुगर है ये, ठीक है। अच्छा इन्होंने लास्ट में पता नहीं कैच क्यों लगाया, मैं कैच तो यहाँ पर भी लगा सकता था, डॉट कैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, ये क्या बकवास है यार, सही आई थिंक सीधा ना चलता है ट्राई कैच नहीं, इसमें डॉट कैच आना तो चाहिए, एक मिनट गेट पे हाथ रख के देखता हूँ क्या मिलता है। अच्छा ये बता ही नहीं रहा कि क्या मिलता है, चलो जैसे उन्होंने बताया वैसे चला लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, बाद में फिर हम एक्सपेरिमेंट अपने देखते रहेंगे।
ठीक है, फिलहाल उन्होंने जैसे बताया है वैसे बता देता हूँ मैं। अच्छा, तो कंसोल करवा लेते हैं जो भी है। कंसोल में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, क्योंकि मैंने वहाँ से भी डेटा भेजा है, तो देखते हैं रिस्पॉन्स कंसोल पे क्या आता है। कंसोल पे असूलन क्या आना चाहिए, वो तमाम प्रोडक्ट्स कंसोल पे क्या हो जानी चाहिए, डिस्प्ले हो जानी चाहिए। अच्छा, इस पेज से मैं जाऊँगा कैसे वहाँ पर, तो मुझे ऊपर एक बटन भी चाहिए इस पेज पर। मैंने बोला भाई साहब इस पेज पर क्या चाहिए हमें, एक बटन भी चाहिए, और बटन में क्या लिखा वो ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक ऑल प्रोडक्ट्स का बटन होगा, एक होम का बटन होगा, ठीक है। होम का बटन कहाँ लेके जाएगा, इंडेक्स के पेज पे, और ऑल प्रोडक्ट का कहाँ लेके जाएगा, प्रोडक्ट के पेज के ऊपर, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी लगाना है ये, और मुझे ये यहाँ पे भी लगाना है, ताकि दोनों पेज के ऊपर ना एक नेविगेशन बार बना हुआ आ जाए मेरे पास, ठीक है। देखो होम पे जाऊँगा तो होम पे, ऑल प्रोडक्ट पे जाऊँगा तो ये ऑल प्रोडक्ट पे लेकर आ गया मुझे। अच्छा, ऑल प्रोडक्ट के पेज पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मुझे रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो एपीआई हिट हुई, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे आके डिस्प्ले हो गया। कहाँ पे डिस्प्ले हो गया, अभी फिलहाल के लिए कंसोल पे डिस्प्ले हो गया, लेकिन मुझे कंसोल पे डिस्प्ले नहीं करवाना है, मुझे उसको यूआई पे भी डिस्प्ले करवाना है साथ साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ मैं एक डिव, एक अदद, इस डिव के अंदर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँगा। मैंने कहा आईडी प्रोडक्ट लिस्ट, राइट, इस तरह का कुछ होगा मेरे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मुझे पहले तो वो डेटा तो मैं बाद में करूँगा ना, पहले ज़रा थोड़ी सी यूआई ऐसी बना लूँ मैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट जैसा दिखता हो। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास होता है एक अदद इमेज होती है, सही है। इमेज मेरे पास अभी डेटाबेस में नहीं है, लेकिन मैं हार्ड कोडेड इमेज कोई कहाँ से ले आता हूँ, यहाँ अली एक्सप्रेस खोला हुआ था ना मैंने, कहाँ गया ये रहा, यहाँ से मैं हार्ड कोडेड ना एक उठा के ले आता हूँ इमेज फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अरे बच्चा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे मैंने छोड़ा इसको, और फिर उसके बाद मैं इसको ले गया अपने ये प्रोजेक्ट में ले गया, और मैंने कहा कहाँ पे रख दो इसको, मैंने कहा कि आईएमजी का एक फ़ोल्डर बनाओगे आप और उस फोल्डर में इसको रखो आप, मैंने कहा मूव, और मैंने इसको, इसका नाम काफ़ी लंबा सा है तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने कहा एयरपोर्ट डॉट वेब पी, सही है, नाम थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने इसका, मैंने कहा आईएमजी स्लैश एयरपोर्ट डॉट वेब, ठीक है। सबसे पहले एक इमेज आ गई, इमेज के बाद मुझे क्या चाहिए, यूआई इसकी तैयार करनी है ना मुझे। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम मैं किस में लिखूँगा, पी में लिख दूँगा मोस्ट प्रॉब्लम में। तो मैंने प्रोडक्ट का कुछ हार्ड कोडेड नाम रख देते हैं, अभी जो डेटाबेस वाला डेटा है वो भी इधर डिस्प्ले करवाना है मैंने, यहाँ पे मैं यही नाम लिख देता हूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अरे कैसे कॉपी होगा, ये कॉपी नहीं करने दे रहा ये। अच्छा वेल, ये प्रोडक्ट का पूरा नाम है, तो मैंने क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट का नाम ऐसे यहाँ पर लिखा दिया मैंने। अच्छा, प्रोडक्ट के नाम के बाद क्या आ रहा था, वापस चलते हैं, प्रोडक्ट के नाम के बाद आ रहा था इसकी प्राइसिंग आ रही थी, पीकेआर, और उसके बाद वो दूसरा वाला दो चीज़ें आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक और बनाया पी, और मैंने इसके अंदर बोला कि भाई एक स्पेन जो होगा उसके अंदर क्या होगा, करेंसी कोड होगा पीकेआर, और दूसरा जो स्पेन होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा 4000, ठीक है, बल्कि आरएस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पीकेआर लिख दिया ना मैंने, ये हो गया। और क्या है इसके साथ भाई साहब, हमारे पास, हमारे पास है कि कितना सोल्ड हो चुका है अभी तक, ठीक है। एक मैंने और पैराग्राफ बना दिया यहाँ पे, इसमें मैंने लिख दिया कि भाई 230 और सोल्ड। कुछ मैं यूआई बनाना चाह रहा हूँ कि भाई लगने के बाद दिखेगा कैसा, मुझे ज़रा पहले पता चल जाए, फिर मैं उसी को रेप्लीकेट मार दूँगा 3-4-5 जगह। अच्छा, फ्री शिपिंग यस नो है, और शॉप का नाम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाया, मैंने कहा फ्री शिपिंग, ठीक है, और शॉप नेम, मैंने कहा सिसबॉर्ग ई स्टोर। तो कुछ ये मैंने ना हार्ड कोडेड एक डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे। अब इस हार्ड कोडेड को ज़रा फ़िलहाल देखते हैं कि ये दिखता कैसा है मुझे स्क्रीन के ऊपर, कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे ये, लेकिन प्रोडक्ट इस तरह की तो नहीं होती ना। तो प्रोडक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा
इसमें CSS वगैरह लगा के ना इसको एक डब्बा बनाना पड़ेगा, गोल डब्बा, सही है, एक गोल डब्बा मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने कहा एक और डिव चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, तमाम को मैं एक डिव में पैक करूँगा, सही है। और मैं अब मुझे थोड़ी सी CSS लगानी पड़ेगी इसको मैं प्रॉपर करने के लिए। CSS आप सब लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अभी हम लगा के भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। मैंने कहा स्टाइल का टैग लगाओ, और स्टाइल का टैग लगा के सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, और इसको मुझे क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स बनाना है। मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा। अब मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है, अभी मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 और प्रोडक्ट नंबर 3, मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने देखा मेरे पास 3, अच्छा ये तीनों हार्ड कोडेड है बाय द वे। अभी डेटाबेस वाले को मैं इधर रेंडर करवाता हूँ, पहले UI सेट कर लूँ फिर डेटाबेस वाले को भी इधर रेंडर करवाता हूँ मैं। अच्छा इसके अराउंड मुझे एक बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर किस पे लगेगा, ये इस वाले डिव पे लगेगा। तो मैं CSS में आके बोलता हूँ कि भाई हैश प्रोडक्ट लिस्ट जो भी है के अंदर जो डिव है डायरेक्ट उस पर क्या करो, बॉर्डर अप्लाई करो 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये बॉर्डर भी आ गया मेरे पास। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ इसको विड्थ और हाइट इसकी जो ना फिक्स करनी है मुझे, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये मतलब पैराग्राफ मेरा थोड़ा क्योंकि बड़ा है ना, तो वो जितना भी लंबा होगा वो उसको देता चला जाएगा, वो आसरा नहीं करेगा बिल्कुल भी ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ हाइट को थोड़ा सा चेंज करना है। अच्छा ये इमेज 220x220 की है ना, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ ना 220 कर देता हूँ, सही है। मैंने कहा भाई 220 पिक्सल पे आप हो जाओ जल्दी से, सही है। प्लस मैंने साथ में कुछ पैडिंग भी इस पर अप्लाई कर दी, मैंने कहा पैडिंग 10 पिक्सल हो जाए ताकि थोड़ा ना बिल्कुल दीवारों के साथ जो चपका हुआ है ना टेक्स्ट वो ना लगे, दीवारों के साथ चपका हुआ ना रहे, तो 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी। अब ये बॉक्सेस आपस में भी दूर दूर होने चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा थोड़ा सा मार्जिन भी दे दो इसको, आप मार्जिन भी 10 पिक्सल का दे दो, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये बॉक्सेस दूर दूर भी हो गए, ठीक है। कुछ अली एक्सप्रेस जैसा ही बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी सर, उससे भी अच्छा, इतना उससे भी अच्छा, देख रहे मक्खन मार रहा है, तो कुछ करीब करीब होता जा रहा है। अच्छा बॉर्डर इसके थोड़े गोल गोल है ना, और थोड़ा इस पे शेडो भी आता है, तो ये दोनों भी चीज़ कर लेते हैं। नहीं है सर, मतलब ये हम खुद बना रहे ना इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा बॉर्डर रेडियस मैंने कहा भाई 5 pixel ना बॉर्डर रेडियस कर दो इसका, ताकि थोड़ी गोल 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 हो जाए कोनों से ये, ठीक है। थोड़ा गोल गोल भी कर दिया कोने से। अब हवर करने पे जो है ना ये क्या करता है, थोड़ा शेडो देता है। तो कौन मुझे ये बताएगा कि हवर करने पे जो चीज़ हम लगाते हैं वो कैसे लगती है, याद है किसी को? सूडो क्लास से, सूडो क्लास से लगती है, ठीक है। कॉमा डाल के मैं क्या करूँगा इस पर, मैं बोलूँगा अरे होवर क्यों नहीं आ रहा, सिंगल कॉलम, सिंगल था, सही है। सिंगल और डबल में फ़र्क पता है ना, एक सूडो क्लास होती है, एक और क्या होता है सूडो, दो होते हैं इसके अंदर। वेल मैंने कह दिया कि भाई शेडो बॉक्स शेडो, सही है, और बॉक्स शेडो 1 pixel, और क्या होता है बॉक्स शेडो के अंदर, कलर होता है बॉक्स शेडो, सर गूगल से उठा लें आराम से, बॉक्स शेडो देख लेते हैं उसमें क्या क्या लगता है बॉक्स शेडो के अंदर ना, क्योंकि मैं भूल गया हूँ बॉक्स शेडो में क्या क्या लगता है, ठीक है। एक लगता है ऑफसेट, एक लगता है राइट लेफ्ट, और एक लगता है कलर, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई 5 pixel 5 pixel और दूसरा मैंने कहा कि ब्लैक, ठीक है। रिफ्रेश, अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लर जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया इसके अंदर। अमाउंट ऑफ ब्लर मुझे ना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, चलो यहीं से बढ़ा लेते हैं, यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं ना। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने उसको बोला ये होव पे दबाऊंगा ना, और मैं बोलूँगा भाई होवर है ये, तो ये होवर वाली स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 5 pixel जो है इसको क्या करता हूँ, अच्छा नहीं ये तो वो है, मुझे एक आइटम और ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ब्लर नंबर 3, सही है। इसको 0, इसको 0, हाँ अब हुआ ना वो वाला हिसाब किताब, 0 pixel 0 pixel और 10 pixel ये करना था हमें,
जीरो पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। ये वाला लेफ्ट है, ये वाला टॉप बॉटम है, और ये वाला अमाउंट ऑफ ब्लर है, ये हिसाब किताब है इसका। रिफ़्रेश किया मैंने, अब इस पर हवर करता हूँ किसी पे भी तो ये आ जाता है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, इतने को इन्होंने कुछ और कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट थोड़ा इनका चेंज है, टेक्स्ट का स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट का स्टाइल इनका क्या है, इनका जो है वो सेंस सेरिफ है टेक्स्ट का स्टाइल, तो मैं टेक्स्ट स्टाइल भी इस पर लगा देता हूँ। मैंने कहा भाई फॉन्ट स्टाइल जो है वो क्या है, ओ सॉरी फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। मैंने कहा भाई सेंस सेरिफ है, सही है ये, उसने ऑटोमेटिक सजेशन दे दी सेंस सेरिफ की कुछ। तो सेंस सेरिफ वो होता है जिसकी चोंचें नहीं निकली हुई होती है ना, अभी चोंच वाले टेक्स्ट आ रहे हैं, ये चोंच हटा दी हमने, ये कोई बहुत ही वाहियात सा टेक्स्ट लग गया भाई दादा। मैं सिर्फ सेंस सेरिफ दे देता हूँ ना इसको, ये लूसिड सेंस मैंस हटा देता हूँ। मैंने सिर्फ फैमिली का नाम बताया, मैंने कहा भाई वरदाना लगाओ इसके अंदर या लगाओ सेंस सेरिफ, ये जो बहुत कॉमन है दोनों, ठीक है। वैसे ये फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, फिलहाल मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ का साइज़ बड़ा है, कुछ का साइज़ छोटा है इसके अंदर, वो भी हम कर सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे इसमें PKR जो लिखा हुआ है ना, उसके आगे जो बहुत बड़ा सा इसने बना के दिया हुआ है, यानी 4000 जो है वो काफ़ी बड़ा करके लिखा हुआ है। तो मैं इस 4000 को कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई इस डिफ के अंदर जो जितने भी पैराग्राफ हैं उसके अंदर जो सेकंड स्पैन है, ठीक है, वो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, या तो मैं इसको आईडी दे दूँ या तो मैं सेलेक्टर के ज़रिए करवा लूँ। तो मैं सेलेक्टर के ज़रिए ही फ़िलहाल करवाने की कोशिश करता हूँ इसको। मैंने कहा भाई ये डिव है ना, जो मैंने कहा डिव है, डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में जो सेकंड स्पैन है, ठीक है, फर्स्ट स्पैन नहीं सेकंड स्पैन, ठीक है, तो वो कैसे होगा, पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट चाइल्ड कॉमा सिबलिंग, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो रहा है शायद, मैं सर क्लास दे दें, हाँ क्लास दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड से तो मुझे ये मिल गया, सेकंड चाइल्ड कैसे करूँगा मैं, सेकंड चाइल्ड कर सकता हूँ क्या मैं, इसका सिबलिंग उठाने का कोई तरीका है, एडजेसेंट, एडजेसेंट सिबलिंग का एक सेलेक्टर होता है, वो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन खैर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, एक अदद क्लास दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। क्लास में क्या आप इसको nth चाइल्ड भी दे सकते हैं, nth चाइल्ड भी दे सकता हूँ, कैसे है वो बताना ज़रा, nth चाइल्ड कैसे दे सकता हूँ मैं, कॉलन और nth डैश चाइल्ड, एक मिनट nth चाइल्ड ज़रा मैं देख लेता हूँ कैसे है, nth डैश चाइल्ड, अच्छा nth चाइल्ड लगा के उसमें 2 दे दूँ मैं, यार क्या बात है बाबर भाई, गुड यार आप तो सही है। nth चाइल्ड में लगा के मैं उसको 2 दे दूँगा तो वो फर्स्ट चाइल्ड की जगह सेकंड चाइल्ड उठाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मसला हल हो गया, वेल डन यार, क्या बात है ज़बरदस्त। अच्छा, और nth चाइल्ड में लगा के मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और मैंने कहा 32 पिक्सल कर दो इसका, या जो भी जितना भी बड़ा मुझे करना है उतना बड़ा मैं करवा दूंगा। ओए ओए, ये इसने क्या पकड़ लिया, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर डिव है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जितनी भी डिव है, और उस डिव के अंदर जो क्या है, पी है, सही है, उस डिव के अंदर पी है, उसका सेकंड चाइल्ड जब मैं बोलता हूँ तो जितने भी पी के सेकंड चाइल्ड हैं सब पे लग रहा है, ये पी पे खुद भी लग गया है वैसे भाई साहब। इसके आगे अगर मैं ऐसे स्पैन लगा दूँ, स्पैन और सेकंड चाइल्ड हो साथ साथ, हाँ अब लगाया उसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये nth लगाने के लिए ना उस एलिमेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा जिसकी बात हो रही है, वो फर्स्ट चाइल्ड में शायद ऐसा नहीं होता। वेल, तो हमने इस 4000 को बड़ा भी कर लिया। अब हमें करना ये है सिंपली, अब हमें ये करना है कि इसके ऊपर ये जो हमने हार्ड कोडेड चीज़ें लगाई हुई थी उसकी जगह पर हमें क्या करना है, अब हमें अपना डेटा उसके ऊपर डालना है। तो मुझे स्क्रीन पे जस्ट डिस्प्ले करवाना था, ये मकसद असल में, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया मैंने तो ये हो गया मेरा काम। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस प्रोडक्ट की लिस्ट को क्या रखूँगा, एम्प्टी रखूँगा, कट कर दूँगा यहाँ से मैं। और कट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर बोल के मैं क्या लिखूँगा इसमें,
प्रोडक्ट लिस्ट, इसको मैं लेट प्रोडक्ट लिस्ट करके क्या उठा लूँगा, एक वेरिएबल में उठा लूँगा, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और ऐसे कोटेशन में करके ही मैं ये बात लिख दूँगा पूरी, सही है। ये क्या हो रहा है, डिंग डिंग कोई ऐड हो रहा है क्लास में। अच्छा, क्लास की टाइमिंग ओवर हो गई है, इस वजह से जब कोई ऐड हो रहा है तो वो मेरे पास नोटिफाई कर रहा है। वो मैंने कहा भाई ये सीन है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इनर HTML में ऐसे ही रखवा सकता हूँ ना अब, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैं इनर HTML करके ऐसे कैसे रखवाऊँगा, मैं यहाँ पे लूप चलाऊँगा। एक्चुअली मैं बोलूँगा भाई कि ये जो आया ना response.data.data, इसके ऊपर क्या करो आप, इसके ऊपर चलाओ लूप। लूप चलाने का तरीका मैप है, आखिर तक जाना हो अगर तो। मैंने कहा ईच प्रोडक्ट मुझे एक दफ़ा में मिल रहा होगा इसके। अच्छा, ईच प्रोडक्ट का जो भी कुछ होगा, ईच प्रोडक्ट में जो कुछ भी है वो मुझे क्या करवाना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, यही करवाना है ना मुझे। ईच प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ भी था वो मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, लेकिन स्क्रीन पे मुझे ऐसे नहीं डिस्प्ले करवाना है, HTML में डाल के करवाना है। तो मैं बोलूँगा ईच प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे जो नेम है ना पूरा, ये नेम पूरा आप ऐसे रिमूव मारो, और इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, ईच प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम था क्या था, देख लेते हैं डेटाबेस से क्या मैंने नाम रखा था इसका डेटाबेस के अंदर। प्रोडक्ट नेम डाटा या पॉपुलेट करवा रहे हैं, डाटा पॉपुलेट करवा रहे हैं। हाँ, ये मैं HTML तैयार कर रहा हूँ एक, और HTML तैयार करके उसको मैं इनर HTML में बोलूंगा रखवा दो जाके, प्लस इक्वल्स टू करवा। सर, ये सारे नेम जो हैं इनके, हमारे प्रोडक्ट्स के, वो सारा इसमें मतलब टेम्पलेट में करके हम देंगे ना इनर HTML के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल, टेम्पलेट करके हम देंगे इसको HTML के बाद ना। अच्छा, ये रिएक्ट के अंदर थोड़ा और बेहतर तरीका है इसका, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी रिएक्ट नहीं पढ़ी हुई है, तो ये बेस्ट तरीका फ़िलहाल अभी ये है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे आ जाओ, ईच प्रोडक्ट डॉट क्या था, करेंसी कोड। अच्छा, इस पूरे को यहाँ पे मैं कॉपी करके ले आता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ देखना ना पड़े, ठीक है। मैं इस पूरे को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ना अपने पास साइड पे कॉपी करके रख लेता हूँ, कहाँ गया मेरा वो प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे ना ऐसे मैं इसको कमेंट में लगा लेता हूँ ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े उधर जाके। तो प्रोडक्ट नेम के बाद हो गया करेंसी कोड, ठीक है। करेंसी कोड के बाद हो गया उसकी प्राइस, ईच प्रोडक्ट डॉट और प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस हो गया। अच्छा, इसको मैं दो लाइन में वैसे वो भी कर सकता हूँ ना, क्या कर रहा हूँ ये मैं, सही है, ज़्यादा लंबी हो रही थी तो दो लाइन में भी कर दिया मैंने। सोल्ड कितना हुआ है ये वो मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ईच ईच प्रोडक्ट डॉट नंबर ऑफ सेल, उसके बाद फ्री शिपिंग है या नहीं है, ठीक है, वो मुझे बूलियन में मिलता है, राइट, फ्री शिपिंग जो है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, मुझे यहाँ पे ट्रू फॉल्स की तो नहीं दिखाना ना, मुझे यहाँ पे दिखाना है फ्री शिपिंग, और या तो कुछ भी नहीं दिखाना, खाली दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा टर्नरी ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे। मैं बोलूँगा भाई अगर ईच प्रोडक्ट डॉट डॉट फ्री शिपिंग अगर है, इज़ फ्री शिपिंग अगर है, तो यहाँ पे क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे दिखा दो फ्री शिपिंग, अदरवाइज क्या करो, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में सबसे मैंने कहा शॉप नेम, ईच प्रोडक्ट डॉट शॉप नेम, सही है, ये सब कुछ करवा दिया मुझे। अच्छा, ये बाय द वे इस वाले में भी जो टर्नरी ऑपरेटर लगाना है ना, इस वाले में भी, अगर मिसाल के तौर पर सोल्ड बंदे ने मेंशन ही नहीं किया
तो क्या लिखा हुआ रहा होगा, सिर्फ सोल्ड लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके ज़ीरो लगा देता हूँ कि अगर यहाँ पे ना ये अनडिफाइंड मिलता है नंबर ऑफ सेल तो ज़ीरो सोल्ड लिखा हुआ जाए, या टर्नरी लगा के मैं पूरा ही गायब भी करा सकता हूँ, ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास ये भी। अच्छा, इमेज ऑन अदर हैंड मैंने क्या किया है, अभी हार्ड कोडेड रखा है क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में फ़िलहाल इमेजेस का ऑप्शन नहीं है। इमेजेस को कैसे डेटाबेस में सेव करवाते हैं वो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट डेटाबेस से आई थी उसको लाके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया, रिफ्रेश किया मैं, और पैराग्राफ में ये लगाना लाजमी है कोड में। सॉरी, क्या कहा आपने, डिव और पैराग्राफ लिए हैं, ये पैराग्राफ और ये जो है असल में सी एस एस इसी पे लगी हुई है ना, सी एस एस इसी पे तो लगाई है हमने, ठीक है सर समझ गया। अगर मैं ये सब हटा दूंगा ना, सीधा सीधा लिखूंगा तो सी एस एस अप्लाई नहीं होगी। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं जी, ठीक है सर। ये प्रोडक्ट लिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने, प्रोडक्ट्स लिस्ट है, एस बी है प्रोडक्ट में, सही है, सही है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी इसलिए वो चल रहा नहीं था। रिफ्रेश, ओए अब क्या मसला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नल ऑफ इनर एचटीएमएल, कह रहा है भाई साहब ये जो क्वेरी सेलेक्टर करके प्रोडक्ट्स लिस्ट, इसमें हैश नहीं लगाया मैंने, हैश लगता है इसमें। रिफ्रेश, चल गया भाई, ठीक है, दो प्रोडक्ट है दोनों आ गई। अब मैं जाऊँगा होम पे और जाके क्या करूँगा, मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा भाई कि ग्लास, ग्लास फॉर वाटर, ठीक है, प्राइस है उसकी 100 रुपये और करेंसी कोड है इसका PKR। अच्छा, करेंसी कोड में भी ड्रॉप डाउन हो सकता है मे बी, नंबर ऑफ सेल 200 यूनिट हम सेल कर चुके हैं, 202 यूनिट, सही है। प्रोडक्ट रेटिंग है 4, सही है। फ्री शिपिंग यस है, अच्छा फ्री शिपिंग चलो एक में नो कर देते हैं ना, दो में यस किया हुआ था ना, एक में नो कर देते हैं। और मैंने कहा शॉप नेम है यही वाला, ऐड टू डेटाबेस, डेटाबेस में ऐड हो गया, ऑल प्रोडक्ट में गया, मुझे तीसरी प्रोडक्ट भी दिख गई, ठीक है। फ्री शिपिंग इसमें था तो आ गया, इसमें नहीं था तो नहीं आया। ये हमने ई कॉमर्स का एक स्टोर बना लिया, करड़ ऑपरेशन में से हमने दो कर लिए, एक हमने क्रिएट कर लिया है, एक हमने रीड कर लिया है, सही है। अच्छा, और एडिट और डिलीट नहीं किया अभी तक, इसमें तीसरे वाले में फ्री शिपिंग क्यों नहीं आया, थी नहीं क्या, मैंने फ्री शिपिंग दिया नहीं ना, फॉल्स दिया इसमें फ्री शिपिंग। कहां का कोड दिखाएंगे, कोड मैंने लिखा है ना इसका, ये तो रहा इसमें, बल्कि मैं लिख देता हूँ नो फ्री शिपिंग, ठीक है, नो फ्री शिपिंग लिख देता हूँ, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ता, तो अब नो फ्री शिपिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है, नो फ्री शिपिंग। मतलब ये एक ही कोड सबके लिए चल रहा है ना, हाँ के पे तो फ्री शिपिंग आया और इसमें नो फ्री शिपिंग, इसमें नो फ्री शिपिंग आया। अच्छा, ये तमाम लोगों को अपने हाथ से ये कोड लिखना है, अगली क्लास में लिख कर लाना, फिर इस पर हम पता है क्या करेंगे, इस पर हम एडिट और डिलीट का बटन दबाएंगे, कि ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है ना, किसी एक पे भी जाके डिलीट का बटन दबाऊंगा वो डिलीट हो जाएगा, किसी एक पे भी जाके एडिट दबाऊंगा वो एडिट हो जाएगा, सही है। ये काम करना है मैं अगली क्लास में। मुझे ज़रा ये बताइए कि दो पे फ्री शिपिंग आ रहा है, इस पे नो आ रहा है, तो ये ज़रा किस तरह से समझ जाए। यार ये इस तरह से हुआ है, देखें पहले तो इंडेक्स का पे शुरू से मैं रिवाइज कर देता हूँ सारा, फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। अच्छा, काम सबसे पहला क्या किया, एक फॉर्म बनाया मैंने, उसमें पूरी डिटेल ली मैंने यूज़र से, वो फॉर्म फिल करके बंदा क्रिएट का बटन दबाता है तो ये फंक्शन चलता है। ये सारी चीज़ें उठाई इसने यहाँ से, यूज़र ने जो जो एंटर किया था उसको वेरिएबल में पकड़ा, उसको उठा के भेजा मेरे सर्वर पे, ठीक है, पोस्ट कर दिया, ठीक है। पोस्ट जैसे ही किया तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो गया, राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, डेटाबेस में कैसे सेव हुआ, सर्वर में जाके देख लेते हैं। ये इसका स्कीमा है, इसके ज़रिए सेव हुआ है, और ये जो पोस्ट की API है ना, इसको हम देख लेते हैं। इसने चेक किया, हाँ भाई तमाम चीज़ें जो चाहिए वो है, ठीक है जी। तो मैंने कहा प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, और मैंने बोला क्रिएट, उसके बाद बोला मैंने कि इसको क्रिएट कर दो, वो क्रिएट हो गया, एसिंक का वेट वाले तरीके से हमने क्रिएट किया। फिर मैंने बोला रिजल्ट, प्रोडक्ट इज़ एडेड इन डेटाबेस, दैट्स ऑल। यहाँ तक क्रिएट का काम हो गया ख़त्म, सही है। अब काम शुरू हुआ गेट का। अब गेट के लिए मैंने पेज अलग बनाया, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट का एक पेज बनाया, ठीक है, इसके ऊपर हेडिंग डाली अली एक्सप्रेस है, ये उस पर दो बटन भी आ रहे हैं ऊपर जस्ट इन केस कि आपको दूसरे पेज पे अगर जाना पड़े। एक आ रहा है डिव, जो कि इस वक्त खाली है, जो कि इस वक्त क्या है, खाली है। और ऑटोमेटिकली पेज जैसे ही लोड होता है ना, ये गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन खुद से चल जाता है। ये गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है,
मेरे सर्वर को कॉल करता है, मेरे सर्वर को बोलता है ये कि गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सारे गेट करके लाता है और इस रिस्पांस में प्रोडक्ट सारे लाके रख देता है यहाँ पे। अच्छा फिर क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि भाई एक मेरे पास डिव बनी हुई है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट, उसको उठाओ उस डिव को और ला के इस वेरिएबल में रखो, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप चलाता हूँ और जितने भी मेरे पास डेटाबेस से रिस्पॉन्स आया ना उस पर लूप, देखो रिस्पॉन्स के ऊपर लूप चला रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, इस पर मैं लूप चला रहा हूँ और मैं बोलता हूँ हर प्रोडक्ट के लिए क्या करो, ये प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से जो डिव है इसका बल्कि नाम मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट डिव कर देता हूँ, ठीक है, डिव, ताकि पता चले कि ये डिव है। डिव के ऊपर इनर एचटीएमएल ऐड करता हूँ मैं, क्या इनर एचटीएमएल ऐड करता हूँ, एक फिक्स एचटीएमएल है जिसमें हर दफ़ा वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो अगर डेटाबेस से मेरे पास आएगा ना फ्री शिपिंग ट्रू, ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है ना, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं ना हम क्लास में या नहीं पढ़ा? जी जी पढ़ा। हाँ तो टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है, अगर यहाँ पे इस फ्री शिपिंग में ट्रू आएगा तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज ये वैल्यू रिटर्न होगी। तो जिस प्रोडक्ट के अंदर फ्री शिपिंग ट्रू होगा उसके लिए अलग चीज़ दिखेगी, जिसमें फॉल्स होगा उसके लिए अलग चीज़ दिखेगी। हाँ ये डेटाबेस से मुझे इस तरह से जरा यार पता नहीं मेरा भी दिमाग हो रहा है, मुझे बताएं कि डेटाबेस से ट्रू फॉल्स कैसे इसका आ रहा है, एक तरह के लिए ट्रू आ रहा है एक के लिए फॉल्स आ रहा है। हाँ तो हमने रखवाते हुए बताया था ना, देखिए इंडेक्स के पेज पर जब मैं जाता हूँ ये वाले पे, तो यहाँ पे मैंने फ्री शिपिंग में यस नो सेलेक्ट करे किया है ना प्रोडक्ट को ऐड करते हुए। अच्छा ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो डेटाबेस में वो ट्रू या फॉल्स रहता है, जब जो मैं ऐसे लिखूंगा वही सेव होगा और जब मंगवाऊंगा तो वही मिलेगा। बिल्कुल सही। ओके सर, इसके लिए नया डेटाबेस बनाने की, नई कलेक्शन बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? नई कलेक्शन बनाने की तो बिल्कुल जरूरत है इसके लिए, क्योंकि यूजर्स के कलेक्शन में तो नहीं डाल सकता था ना मैं इसको। हाँ लेकिन मैंने नया डेटाबेस बना दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने नया डेटाबेस बना दिया है, मैंने सोशल मीडिया वाले डेटाबेस में इसको स्टोर नहीं किया, मैंने नया डेटाबेस बना दिया। इस पुराना यूआरआई है मोंगोडीबी का, पुराना ही यूआरआई है असल में, ये जो यूआरआई है ना ये डेटाबेस का नहीं, ये क्लस्टर का यूआरआई है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लस्टर क्यों लिखा है उन्होंने, क्योंकि देखो इसके अंदर ना दो डेटाबेस आ गए, पहले डेटाबेस का नाम क्या था, सोशल मीडिया बेस, अभी डेटाबेस का नाम ये है। यूआरआई तो सेम ही है लेकिन आखिर में मैंने क्या किया है, यूआरआई के अंदर आके आखिर में सर्वर में जाता हूँ मैं और यूआरआई के अंदर ना आके मैंने ये बात चेंज कर दी है डेटाबेस का नाम। तो हम भी यही करें, ये बात चेंज, ये डेटाबेस जी अगर नया डेटाबेस बनाते तो सही है, वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, नया डेटाबेस बनाने की जरूरत, कलेक्शन ऑन अदर एंड नया बनाने की जरूरत थी, कलेक्शन का नाम यहाँ पे जो लिखेंगे ना आप उस नाम से कलेक्शन बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है। कलेक्शन क्यों बनाई जाती, न्यू कलेक्शन जब बनती है और डिफरेंट स्टूडेंट्स की मतलब प्रोडक्ट की और डिफरेंट चीज़ों। अब मिसाल के तौर पर ये तो प्रोडक्ट का स्कीमा है ना, अब मुझे कार्ट का भी स्कीमा बनाना है कि जब क्लिक करे बंदा तो कार्ट में जाके ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं अलग इस कलेक्शन बनाऊंगा कार्ट के लिए। फिर इसी तरह इसमें साइनअप जो होते हैं बंदे उसके लिए मैं यूज़र का स्कीमा बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसके अंदर जो और क्या हो सकता है, शॉप्स क्रिएट होती है ना इसके अंदर, अली एक्सप्रेस में शॉप्स क्रिएट होती हैं, तो शॉप्स का स्कीमा अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह तो सर जितने टेबल होंगे इन टेबल की इक्वल होता है ना असल में स्कीमा। जी दोस्त अब जाके उधर MongoDB पे देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा क्लस्टर बनाओगे, एक एक्स्ट्रा नहीं होगा क्लस्टर, तो वही है क्लस्टर, वही है ये क्लस्टर के अंदर ये डेटाबेस नया बन गया है, क्लस्टर एक ही है। क्लस्टर असल में कहते हैं गुच्छे को, क्लस्टर ना गुच्छे को कहते हैं, जो तो MongoDB के हमने क्लाउड पे जो बनाया था ना वो डेटाबेस नहीं बनाया था, वो क्लस्टर बनाया था, याद है आपको? शुरू में आप लोगों ने सवाल भी किया था कि ये सर क्लस्टर क्यों क्रिएट हो रहा है, तो मैंने कहा था गुच्छा, तो आपने पूछा था कि क्या सर इसके अंदर 10,000 डेटाबेस होंगे क्या, ठीक है। तो ये असल में अब उस बात का जवाब आपके सामने आ गया है कि जो MongoDB क्लाउड पे बनाया था वो क्लस्टर था और क्लस्टर में मेरे पास क्लस्टर का URL है, वो क्लस्टर का URL है और उस क्लस्टर के URL के लास्ट में ना डेटाबेस का नाम है, वो मैं जितना चेंज करता जाऊंगा डेटाबेस बनते जाएंगे और इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, मैं जितने मर्जी डेटाबेस बनाता चला जाऊं कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, एक क्लस्टर के अंदर। हाँ लिमिट ये है ओवरऑल साइज़ उसका ना 500 MB से ऊपर नहीं जा सकता, ओवरऑल साइज़ जो है उसका वो 500 MB के अंदर अंदर रहना चाहिए। अच्छा
जितने स्कीमा होंगे तो उतनी ही कलेक्शन होंगी। कलेक्शन, हाँ कलेक्शन का भी कोई लिमिट नहीं है, कलेक्शन तो अंदर है ना, ये मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ ये जो ये चीज़ है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कलेक्शन डिपेंड करते हैं स्कीमा के ऊपर, स्कीमा पे डिपेंड करता है जी, ऐसा ही है बिल्कुल, स्कीमा जितने होंगे कलेक्शन उतने होंगे। अच्छा, और एक क्लस्टर में कितने डेटाबेस आ सकते हैं? एक क्लस्टर में कोई लिमिट नहीं है डेटाबेस की, जितने मर्जी बना लें आप। मतलब ये 500 GB का जो डेटा देते हैं ये कुछ काउंट नहीं करता ये चीज़? नहीं, ये जो पूरा क्लस्टर है ना आपका, क्लस्टर का जो मैक्सिमम साइज है वो 500 MB है। अब उस 500 MB में रहते हुए आप 10 डेटाबेस बना लें, 5 बना लें, 200 डेटाबेस बना लें, वो आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। असल में उनको उनको तो साइज से मतलब है, मतलब ये जो डेटाबेस अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, उनके लिए तो ये जैसा है सिर्फ, सही है उनके अच्छा, लिए। ये जो सोच है इस तरह की, मतलब मैं और लोग भी शायद क्लियर हो यही सवाल करेंगे कि हम नया स्कीमा हम कब कहते हैं बनाते हैं, एक ही उस पर रहते हैं कि यार अब हमें एक तो ये बना लिया, अब हम चलो अब नया स्कीमा की ज़रूरत है तो इसी के अंदर ना डालें इसी स्कीमा में से। भाई मैं बता तो रहा हूँ, पैटर्न अगर चेंज होगा तो स्कीमा भी चेंज होगा। नहीं, स्कीमा एक तो ये बन गया ना, अब आप ये कह रहे हैं कि दूसरा स्कीमा कब बनेगा, दो स्कीमा कब होंगे? जी जी भाई, दो स्कीमा जब होंगे, ये ई कॉमर्स का स्टोर बना रहा हूँ ना मैं, इसमें लॉग इन साइनअप तो करूँगा ना मैं, तो लॉग इन साइनअप जब मैं करूँगा तो मैं एक स्कीमा बनाऊँगा किस नाम से, भाई यूज़र को स्टोर करवाऊँगा ना मैं, यूज़र को मुझे सेव करवाना है ना डेटाबेस में, तो मुझे क्या बोलना अच्छा, पड़ेगा मैं समझ गया। ओके, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कलेक्शन और स्कीमा बन जाएगा। अब ये होगा यूज़र स्कीमा, ठीक है, इसका नाम यह रखूँगा मैं यूज़र, ठीक है, और मैं बोलूँगा यूज़र मॉडल, क्या किया मैंने, ये यूज़र मॉडल एम फिर भी खा गया हूँ। अब ये यूज़र मॉडल जो बन गया ना मेरा, अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना पेज को अपने, सर्वर जैसे रन करूँगा मैं, तो ये यूज़र के नाम का एक बन के आ जाएगा, कहाँ पे, मेरे ई कॉमर्स स्टोर में अभी एक कलेक्शन है ना, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो दूसरा भी दिख जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया है, मैंने अब एक और स्कीमा बना दिया, देखिए यूज़र आ गया, यूज़र खाली है अभी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन बन के आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, यूज़र हो गया, इसी तरह कार्ट मुझे चाहिए होगा, मैं कार्ट का भी बना देता हूँ। अच्छा, अगर हम एक ही स्कीमा में सब सारा काम करें तो क्या नुकसान है उसका? एक स्कीमा में हो ही नहीं सकता, कैसे होगा सर? अब इसको उस तरह से ले लेते हैं ना कि हम एक जैसे नॉर्मली पीसी में एक फोल्डर बना लेते हैं मेन, उसके अंदर एक फोल्डर होता है इमेज का, हमें पता होता है इसमें इमेजेस हैं, आगे दूसरा फोल्डर वीडियोस का, इसमें वीडियोस हैं, बिल्कुल, तो आगे जाके हमें इजी होता है कि इमेज इमेज वाला फोल्डर है इसमें इमेजेस ही है हमारे पास, वीडियो वाला फोल्डर है इसमें वीडियो ही है हमारे पास। तो अब हमारे पास ना देखो तीन स्कीमा है, एक स्कीमा प्रोडक्ट जिसमें तमाम स्कीमा में तमाम प्रोडक्ट सेव इस तरह से होंगे, यूज़र का स्कीमा अलग है, इसमें ईमेल पासवर्ड होगा, अभी फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया अंदर का, लेकिन इसमें ईमेल पासवर्ड नेम एड्रेस ये चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा कार्ट का स्कीमा है कि जब बंदा प्लस प्लस दबाए ना तो कार्ट में चीज़ अब ऐड हो रही हो तो वो इस तरह सेव हो, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगा जब, तो आप देखेंगे तीसरा वाला भी बना हुआ आ जाएगा, तीसरा भी ना बन के आ जाएगा, ठीक है। तो तीन मेरे पास अभी क्या हो गए, कलेक्शन हो चुकी है, तीन अलग अलग चीज़ों के लिए तीन कलेक्शन हो चुकी है। ये एक ही में अगर हम करें तो आप कह रहे हो नहीं सकता ये? एक ही में नहीं हो सकता, एक ही में कैसे होगा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, अब मिसाल के तौर पे मुझे करने हैं तमाम प्रोडक्ट को गेट करना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे पता है इस कलेक्शन के अंदर है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट फाइंड और ऑल, तो सारी प्रोडक्ट आ जाती है। लेकिन इमेजिन करें उसी कलेक्शन के अंदर यूज़र भी मौजूद है, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ यूज़र भी उठ के आ जाएगा। तो ये मुझे हम एक तरह से जस्ट ये चीजें मैनेज करने के लिए, इनको डिफरेंट उसके ऑर्गेनाइजेशन है ये, असल में ऑर्गेनाइज करने के लिए, सही आपने पहचाना, रख तो एक में भी सकते हैं क्योंकि स्कीमा लेस है ना ये ये स्कीमा हम बना रहे हैं, डेटाबेस की हड़ावड़ी हो जाएगी ना फिर उसकी सारे कॉस्ट। हाँ नहीं, MongoDB को चलेगा, MongoDB को अभी एक ही ना प्रोडक्ट्स के नाम से बनाएं, उसमें आप जो मर्जी डालते रहें, MongoDB को इशू नहीं है, इशू बाद में हमारे लिए हो जाएगा कि हम करेंगे क्या। मैं तो यही की बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, इतनी हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, जी जी संभाले। हाँ लेकिन असल में जो होता है ना डेटा माइनिंग वगैरह में, जो डेटा माइन जब करते हैं किसी जगह से, तो स्कीमा नहीं होता उसका, वो स्कीमा लेस होता है, तो एक ही कलेक्शन होती है, दमादम भरते चले जाते हैं उसके अंदर, जो मर्जी आ रहा है ना सब एक ही कलेक्शन में डालते जाते हैं। लेकिन बाद में फिर उसको क्या करता है, वो डेटा क्लीन करने का एक बंदा होता है, वो डेटा साइंटिस्ट एक बिठाते हैं जो डेटा को क्लीन करता है, ठीक है। वो कैसे करता है वो एक पूरी फिर लंबी साइंस है, उसको क्लीन करके फिर वो अलग अलग फोल्डर बना के उसके अंदर रखता है, यानी अलग अलग कलेक्शन,
इसको बना के ना उसको सेपरेट करता है प्रॉपर, उसको सजाता है, फिर उस पर AI वगैरह ये चीज़ें रन होती हैं, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो हमें हमारा डेटा शुरू दिन से ही स्कीमा में होगा, स्कीमा लेस वाला काम फिलहाल हम कर ही नहीं रहे, ठीक हो गया। तो ये कोड, इतना कोड ना सब लोग अपने हाथ से भाई देख के टाइप करके लिख लेना, कॉपी पेस्ट मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस कोड को अपने हाथ से। अच्छा ये दो स्कीमा जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे ना इसको मैं हटा देता हूँ, ये बाद में कन्फ्यूज़ ना करे वरना। सही है, जब ये करेंगे काम तो इंशाल्लाह ये बना लेंगे हम। अगली क्लास में हमने क्या करना है, क्रड ऑपरेशन हमने पूरा नहीं किया अभी तक ना, तो ऑल प्रोडक्ट पे जाके इसको एडिट, और ये क्या फेल क्यों होना शुरू हो गया भाई? सर आपने वहाँ आईडी का नाम चेंज किया था। आईडी का नाम चेंज किया था मैंने, इसमें नहीं, यहाँ से वही था आगे। अच्छा यहाँ पे ये डिव लगाया था, ये डिव जो लगाया था प्रोडक्ट पे। हाँ अब सही हो गया, ये अब सही हो गया। अच्छा वो आईडी का नाम चेंज करने से सीएसएस भी नहीं अप्लाई हो रही अब, क्योंकि सीएसएस भी मैंने उसी आईडी पे लगाई हुई थी। डिव हटा दें सर, सीएसएस पे भी मैं वही लगा देता हूँ ना जाके। सही है, सीएसएस पे भी मैंने वो नई वाली लगा दी, चलो सीएसएस भी अप्लाई होने लग गया अब। अच्छा इस कोड को मैं इसी तरह पुश कर दूँ वरना मैं इसमें और भी कुछ चेंजेस करना शुरू कर दूँ। क्लास कोड, और ये पुश हो गया हमारा कोड, फोल्डर में जा रहा है सर कोड। ये तो नॉर्मल जो हमारा ये था ना, ये वाला पूरा जो है, दिखा देता हूँ मैं आपको github.com पे जाके। अच्छा रिपॉजिटरीज में गया, रिपॉजिटरीज में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट क्लास, ये हमारी क्लास की रिपॉजिटरी है जिसमें हम तमाम कोड डालते हैं। इसमें आप जाके, जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा नॉट जेएस नंबर 3, नॉट जेएस के अंदर गया मैं, नॉट जेएस के अंदर नंबर 1 प्रोडक्ट लिस्ट क्रड ऑपरेशन। इस 8 के अंदर जाएंगे तो आपको ये पूरा कोड यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। अच्छा अच्छा जी जी आप चलना आप पूछ ले भाई, मैं बाद में पूछता हूँ जी। अफजल क्रड में से आपने दो ऑपरेशन किए ना, अभी दो किए, बाकी दो अगली क्लास में इरादा है करने का। अच्छा ये पोस्ट और अपडेट के जो ऑपरेशन है ये बॉडी रखते हैं, बॉडी के साथ जाते हैं। हाँ और बाकी दो जो है वो बगैर बॉडी के। हाँ ऐसे ही है, बाकी दो बगैर बॉडी है, नहीं सॉरी सिर्फ गेट में बॉडी नहीं होती ना, बाकी तो तीनों में होती है बॉडी। हाँ हूँ मैं, हूँ आ रहा हूँ एक मिनट। अच्छा कोई आया है मेरे पास। अच्छा तो क्या कह रहे थे कि गेट में सिर्फ बॉडी नहीं होती। अच्छा बाय द वे अगर भेजना चाहो ना मैं, तो गेट रिक्वेस्ट तो वही होती है ना, गेट में भी बॉडी भेज सकता हूँ मैं, ठीक है। असूलन मैं अगर भेजना चाहूँ मैं तो गेट में भी अगर बॉडी रख के भेजूंगा ना तो जाएगा, मना नहीं करेगा मुझे वो चला जाएगा बॉडी रख के। लेकिन असूलन जो REST API के रूल्स के मुताबिक गेट जो है वो उसमें बॉडी नहीं होती, ठीक है। भेज तो मैं बॉडी गेट में भी सकता हूँ, करके देखिएगा चली जाती है बॉडी, लेकिन गेट में बॉडी आमतौर पर हम नहीं भेजते हैं, ठीक है। और जो पुट होता है, पुट में मॉडिफाई करते हैं हम, जाहिर है पुट में जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को मॉडिफाई, तो मॉडिफाई करके नया डेटा क्या रखना है, पुराना हटा के नया क्या रखना है, वो बॉडी में देख भेजना पड़ता है हमें, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो पोस्ट है, पोस्ट में तो होता ही है नया डेटा क्रिएट हो रहा होता है, तो डिलीट में अच्छा डिलीट में भी जो है ना हमें समटाइम बॉडी की ज़रूरत होती है, समटाइम नहीं होती, ठीक है। समटाइम हम सिर्फ URL मारते हैं तो वो जाके जो है ना क्या करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं, URL के अंदर ही हम ID दे देते हैं कि इस ID को डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा सम टाइम हम क्या करते हैं कि उसके अंदर बॉडी में ID रख के भेजते हैं, सम टाइम हमें ज़्यादा डेटा भेजना पड़ता है तो वो बॉडी में रख के भेजते हैं, ठीक है। थैंक, ठीक है जी। अच्छा ये इन चीज़ों की प्राइवेसी को हो नहीं होती, क्योंकि सामने बॉडी में चीज़ें जा रही है तो सामने लिंक पे नज़र आ रही होती है सर? नहीं बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है ना वो सिक्योर होती है, बॉडी में जाने वाली कोई भी चीज़ रास्ते में कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता, रास्ते में कोई उसको देख नहीं सकता, जहाँ पहुँचेगा सर्वर पे वहीं पे ही दिखेगा वो। और गेट तो गेट नज़र आ रहा होता है ऊपर एड्रेस बार पे जाता। हाँ गेट की जो रिक्वेस्ट है ना URL में जो कुछ भी है, चाहे वो URL पैरामीटर्स हों चाहे वो क्वेरी पैरामीटर्स हों, दोनों मुझे URL में जो होते हैं ना वो रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है उसको। सही। अच्छा रिपोजिटरी का पूछना था, बस मेरा ये सवाल था कि ये पब्लिक हम लोगों ने किया, मैंने एक दफा प्राइवेट करके देखी तो वो जो है ना वो चार्ज करता है, कहता है यार इसकी चार्जेस हो गए, गिटहब पेजेस बंद हो जाता है प्राइवेट में, ये होता है। सही सही, ओके शुक्रिया। सही है। अच्छा और किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।
अल्लाह हाफिज़।